स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा मेन टारगेट अभी मैं ट्रायंगुलेंस करा रहा था, प्रीवियस क्लास तक कृपया आप देख रहे हो। आज हम लोग का ट्रायंगुलेंस का क्लास हो रहा है, जनरल लेजर एंड ट्रायंगुलेंस के ऊपर। क्लास नंबर कितने है देख लीजिए आप, नंबर चार नंबर क्लास, उसमें आपको सीरियली देख रहा हूँ जनरल लेजर एंड ट्रायंगुलेंस चला रहा। मैंने शायद फर्स्ट क्लास में जनरल सिखा दिया था, लेजर हम लोग पोस्टिंग सीखे हैं, लेजर के ऊपर कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग बाकी है, देन मैं ट्रायंगुलेंस करा रहा हूँ। आज हमारा नंबर फोर क्लास के स्टूडेंट, आप अवश्य इसको नॉलेज में रखो। और ट्रायंगुलेंस हम लोग कल का जो क्लास किए थे बहुत पावरफुल क्लास था, उसी को आज कंटिन्यू करके मैं पूरा क्लोज करूँगा क्लास को। आपको ध्यान से देखना है कि स्टूडेंट, हर बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, किसी भी तरीके का बिजनेस करो, तो हमेशा बिजनेस में बहुत से ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, पैसे वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये मैं बोला था। और हर बिजनेस में स्वयं ध्यान रखना एसेट्स होती है, तो ट्रायंगुलेंस का मंत्र नंबर वन क्या है, रूल्स नंबर वन क्या है, कि एसेट जितनी भी होगी विद्यार्थी हमेशा क्या करेगा, उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। एसेट्स ट्रायंगुलेंस के डेबिट में आता है, ये फॉर्मूला है रूल्स ऑफ रूल्स फॉर ट्रायंगुलेंस। ट्रायंगुलेंस स्टूडेंट एक ऐसा हथियार है, ये चैप्टर स्टूडेंट हमारे लिए ऐसा ऑप्शन है। अगर मैं अकाउंट्स की बुक्स में क्या किया हूँ, कोई गलती किया हूँ, जनरल या लेजर में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, तो ये चैप्टर उस मिस्टेक को बताएगा कि सर आपने मिस्टेक कर दी है। ये वो चैप्टर है, मैंने पावरफुल है। इस चैप्टर में क्या खासियत है, अगर हमने अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक की है, अर्थमेटिकल मिस्टेक, प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, डेबिट का आइटम क्रेडिट कर दिया, अमाउंट में गलती के, कुछ भी आप अर्थमेटिकल एरर करोगे, ट्रायंगुलेंस बोलता है मैं हूं ना वाला हिसाब, मतलब मैं बता दूंगा आप गलती की हो। अब आता है कि सर गलती को जानना इसलिए जरूरी है कि जब अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब हम अपने बिजनेस का सर क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाते हैं, जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, अगर मैं गलत निकाल दूंगा तो, इसलिए हर अकाउंटेंट को सर नियम कहता है एक ट्रायंगुलर बना लेना है। कब, जब आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालोगे उसके पहले, जिससे कोई गलती ना रहे। अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक से गलती है तो आपका प्रॉफिट गलत निकल सकता है, लॉस गलत निकल सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गलत आएगी, बहुत भयंकर मिस्टेक हो जाएगी और वो कंटिन्यूइंग होते आगे चली जाएगी। दैट्स व्हाई ट्रायंगुलेंस एक जरिया है जहां पे आप कोई गलती की हो, एरर की हो, अर्थमेटिकल एरर, वो आपको पता चल जाता है, सिंपल वर्ड। लेकिन ट्रायंगुलेंस बनाने का रूल्स होते हैं कि बिजनेस में आप जितनी भी तरह का एसेट्स यूज करते हो या प्रॉपर्टी का हो, सीधी वर्ड वो डेबिट होगा। कल हम लोग प्रॉपर्टी का सर बहुत सा पोर्शन पढ़े थे, कल वाली मेरी क्लास थर्ड नंबर ट्रायंगुलेंस जनरल देखना बहुत सर कंपल्सरी है। चलिए अब कहानी बनता है, हर बिजनेस में किसी भी तरीके का बिजनेस हो सर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज। अब यहां से आज स्टार्ट करते हैं कि जितनी भी लायबिलिटीज है, नियम कहता है कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स, वो आपका क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज ऑलवेज गो ऑन के ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। मैं कल प्रूफ नहीं किया था कि सर एसेट डेबिट, छात्र मुझे पूछ रहे थे कि सर डेबिट ही क्यों होगा, ये तो आप याद करवाते हो क्लास में बैठा बैठा कर ना, ऐसा आज मैं प्रूफ करूंगा कि क्यों क्रेडिट हो जाता है। ठीक है सर, हो गया। अब आता है बिजनेस में लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ये बच्चे नहीं समझते। जब देखिए बच्चे आज कि मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ तो लायबिलिटी बेसिकली दो तरह का हो जाता है। आप अगर मोटी बात करें, मोटी बात पढ़ाओ तो लायबिलिटी दो तरह का होगा सर, दो मतलब, अरे हर बिजनेस में ओनर क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ओनर भी तो चाहता है कि एक दिन जब बिजनेस खत्म होगा या बिजनेस डिजॉल्व होगा, बंद होगा, तो मैं अपनी कैपिटल निकाल लूं। यानी बिजनेस का ये दायित्व बनता है कि वो अपने ओनर को क्या करे, उसकी कैपिटल को वापस करे। तो वो कैपिटल जो मैं ओनर से लिया हूं, सुनिए ये सब मजेदार कहानी है, वो जो कैपिटल मैं ओनर से लिया हूं, कौन लिया है, बिजनेस, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, कुछ भी हो सकता है, तो भैया कैपिटल तो देना पड़ेगा। ओनर बोला मैं फ्री का थोड़ी हूं, मैं बाहर हूं, तो मुझे दे। तो बिजनेस कहता हां सर कैपिटल मेरा लायबिलिटी है, आप जो पैसा लाए थे वो आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह सर बिजनेस करते समय में कैपिटल लगती है, ये एक लायबिलिटी भी, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है। देखो एक बार रिकॉल करवाते हैं सर कैसे मैं पढ़ाया था, ये मुझे ओनर को लेने का, लेकिन ओनर लास्ट में लेता है, ओनर को हमेशा लास्ट में मिलता है, पहले गांव दे, गांव वाला जूता लगाएगा, उनका पैसा बाकी है तुम्हें, सिंपल वर्ड, उनको पैसा देना होगा। तो बिजनेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर वालों से भी सर उधारी लेते हैं, मतलब लोन, बोरोइंग, 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 लोन सर, कारोबार के लिए लोन भी लेते हैं। हाँ लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं। अब जो लोन देगा वो फ्री का थोड़ी, बोलते भैया बिजनेस को, वो बोला लोन वाला है मेरे को भी देना पैसा, मैं भी लूंगा। तो ये लायबिलिटी आपकी क्या हुई, एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स,
और इसको मैं एक बार समझाने के लिए आपको ऐसे समझाऊंगा क्या इंटर ओशन, ऐसी कोई भी लाइबिलिटीज याद रखिएगा अकाउंट्स में आप ये मंत्र लास्ट है क्रेडिट होगा। एक छात्र बोला ना सर थोड़ा लाइबिलिटीज और बताओ ना मुझे और सीखिए लाइबिलिटीज का। सर एक मीनिंग होता है लाइबिलिटी बिजनेस में माना जाता है दो तरह की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला इन्वॉल्व है, अपने को बाहर वाले को देने का ना लेने का, देने का है। अगर अपने को देना है तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, और खुद को लेने का है तो इंटरनल। चलिए सर अब सुनिए लाइबिलिटी रूल्स के हिसाब से पढ़ाओ तो लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है इसका भी सर बहुत सा टाइप होता है। सर कैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आप ऐसे सोचो जिस लाइबिलिटी का पेमेंट बिजनेस को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना है विद इन वन ईयर या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, क्या विद इन वन ईयर बिजनेस को पैसा बाहर वाले को देना है विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट होता है वो तुम लोग आगे क्लियर कर लोगे, या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल वी आर लाइबल टू पे टू आउटसाइडर्स, हमें देना पड़ेगा, बंदा आ जाएगा कोर्ट चला जाएगा केस कर देगा, ओ सर वन ईयर में देना है, तो उसको हम लोग कहते हैं करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। क्या करेंट लाइबिलिटी एकदम मेरे सर के ऊपर क्या है आके बैठा हुआ, जल्द से जल्द देना है सर, कोई रास्ता नहीं है कोई विकल्प नहीं है, बट कितने दिनों में और उसको मुझे एक साल के बाद देने का है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो मोटी बात क्या हुआ नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मोटी बात होगी सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो तरह की होगी, हर तरह की लाइबिलिटी भैया क्या करो बिजनेस में क्रेडिट। अब आते हैं लाइबिलिटी को लाइब्रेरी बोलते तो देगा नहीं ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग ये कल कहानी कब तक हुई थी कितने नंबर तक 22 कितना नंबर तक आया 25 पक्का पक्का बोलिए। चलिए कहानी आगे बढ़ाई जाए सर, अब सुनिए ना सर को सुनिए फटाफट से बात होगा डरने का नहीं है सर फटाफट देखिए। अब आपको ट्रायल बैलेंस में हमारे छात्र रटने वाले भी होते हैं, रटने ना रट में समय थोड़ा समय फिर उसको सर दिमाग में अप्लाई कर। चलिए आपको स्कूल वाले देंगे कैपिटल, तो कैपिटल बिजनेस का कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, आज सीखे ना ये सब सब क्वेश्चन आईसीएससी में छोटे छोटे में भी आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स घुमाएगा। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है ओनर का पैसा है, बिजनेस और ओनर अलग अलग, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था बोथ आर सेपरेट दोनों का, तो बिजनेस सोचता हाँ भैया कैपिटल का पैसा तो ओनर को देना पड़ेगा, ओनर के घर वाले को मुझे देना है, तो कैपिटल बिजनेस का क्या हो गया लाइबिलिटी होता है। देखिए यहाँ अग्रवाल किस साइड भागेगा क्रेडिट में लिखो, अरे क्रेडिट में लिखने का इधर नहीं इधर डैश लगा दो ना मैं उधर लिखा हूँ, आज एकदम एक एक आइटम पकड़ के बता रहा हूँ आपको। स्कूल वाले कैपिटल के टीचर बोलेगा लॉजिक बोल, लॉजिक मैंने कहा साइड में क्या लिखा लाइबिलिटीज है अपने टीचर को तो बताना पड़ेगा। चलिए सर इसके बाद अब देखना मजेदार मजेदार कहानी बना रहा हूँ आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा सर, और आगे बताइए आप आगे देखते जाइए। लोन फ्रॉम SBI सर ये क्या होता है, अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फ्रॉम मैंने ओ सर बिजनेस ने क्या किया है लोन लिया है, लोन लिया दिया नहीं हो फ्रॉम मैंने से होता है तो अपने लोन लिए तो लोन का पैसा चुकाना है, ये भी बिजनेस का क्या है लाइबिलिटी, वो पैसा जो मैंने करोड़ों रुपए का लोन लिया है सपोज वो देना पड़ेगा भैया लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। ओ सर ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होगा सर। और अच्छा कहानी अभी कहानी सुनते जाएगा बहुत ट्विस्ट मिलेगा, कहानी में बहुत कुछ सीखेंगे सर। सर आगे बताइए मान ले स्कूल में एक दिया है टर्म लोन, सर टर्म लोन वो लोन है जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं, क्या कितने समय के लिए, हाँ लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रहता है, तो उसको कभी कभी नाम देगा आपको टर्म लोन दिया आप बोले परेशान हो गए सर कभी तो सर पढ़ाए नहीं थे, अरे लोन लिया हूँ टर्म लोन मैंने जिसका पेमेंट मैं 5 साल 7 साल 10 साल बात करने वाला हूँ, टर्म लोन किधर क्रेडिट में जाएगा लाइबिलिटी है। आपको खाली देखो कैसे सिखाते जा रहा हूँ वैरायटी टाइप्स ऑफ आइटम, सुनिए अभी अभी तो कहानी स्टार्ट हुई। मॉर्गेज सर वर्डिंग नहीं सुना समझ में नहीं आ रहा है, मॉर्गेज का मतलब होता है स्टूडेंट एक तरह का लोन होता है, ये भी लोन है, ओ सर मॉर्गेज लोन को कहते हैं, हाँ मॉर्गेज मतलब होता है जब आप लोन लेते हो तो बहुत बार आपको वहां कुछ गिरवी गिरवी मॉर्गेज रखना पड़ता है, गिरवी रख के लेता हूँ
तो उस टर्म्स को कहा जाता है, उस तरह का मोटा मोटी उससे मिलता जुलता टर्म होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है हम कुछ गिरवी रखकर क्या कर लिए, उसके बेसिस पे लोन लिए। तो मॉर्गेज मतलब यहाँ पे सर लोन को कह रहे हैं, मॉर्गेज लोन बोल के लिख लीजिए। सर लाइबिलिटी खत्म ना रे भैया, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ। अच्छा बिजनेस का काम है गुड्स खरीदना ना बेचना, तो पहले खरीदिए फिर ना बेचोगे। तो गुड्स जिससे हम खरीद के लाते हैं कोई इंसान होगा, कोई पर्सन है, कोई कंपनी वगैरह वगैरह है। तो जिनसे हम खरीदते हैं उनको अकाउंट्स में कहा जाता है सिंडिकेटर्स, सनरी क्रेडिटर्स। सर नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ रे भैया सुना, पहले तो पढ़ाया हूँ सनरी क्रेडिटर्स। बहुत से क्रेडिटर जिनको तेरे को पैसा क्या करने का देना है, नहीं जिंदगी में देना है। जिसे सिंडिकेटर मीन द पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज, और बंदे को हमें पैसा देना है। मैंने अपनी लाइबिलिटी का बोला है, मैं बाहर वाले को देने का है। तो सर सिंडिकेटर्स क्रेडिट में लिखेगा, किधर लिख देगा लाइबिलिटी है ना, पक्का बोल। हाँ सर लाइबिलिटी है, दायित्व है। चलिए सर सिंडिकेट, अब सुनिए ना विद्यार्थी ना, जल्दी में मत रहिए। कभी कभी स्कूल वाले गेम खेलते हैं, क्या गेम, नाम बदल कर क्या दे देंगे, सप्लायर्स। सप्लायर्स किसको कहा जाता है, जो मुझे गुड्स क्या किया है, सप्लाई किया, ओ बंदे को पैसा दे, उनका पैसा ड्यू है सर बाकी। ओ सर ऐसा है क्या, हाँ सर भाई ऐसा ही है। फिर सर परचेज लेजर बैलेंस, अब विद्यार्थी परेशान हो गया, सर ये किसका नाम है, ये भी सिंडिकेटर को बोलते हैं। परचेज मैंने खरीदना, परचेज करना क्रय करना, तो परचेज मैंने होता है लेजर बैलेंस, मैंने उन व्यक्तियों का बैलेंस यानी मुझे उन्हें पैसा देना है, ऐसे घुमा घुमा कर दे देता। ओ सर है तो लाइबिलिटी, हाँ ये लाइबिलिटी है। ये क्या है सर, आप याद कैसे रखते हो, विटामिन कौन सा खा रहे हो ना, विटामिन ई कॉन्सेप्ट का क्लियर है। क्रेडिटर्स वो शख्स है जिसे मुझे पैसा क्या करने का है, देना है। वी आर लायबल टू पे, क्यों, क्योंकि मैंने उसे गुड्स लिया या उससे कोई सर्विस ली होगी। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं सर, और बोलिए सर, आइए और में लगी सर। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा, ये बच्चे सीखे भी ना हाँ नहीं बोलेंगे क्लास में, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। बिल्स पेबल सर, बड़ा खतरनाक वर्ड लिखते हो कभी कभी आप। अरे बच्चों भी आप बिल्स पेबल स्टार्ट हुआ सर, ये होता क्या, देखे नहीं है, देखने में कैसा है सर, ये आज तक मालूम नहीं चल रहा है। बिल्स पेबल, अरे पेबल पेबल सुनिए, बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट है, वहां तुम लोग पढ़ना आगे जाते हैं, अभी उतना नहीं होगा। सर होता क्या उसका, मान लीजिए स्टूडेंट मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ रखिए अग्रवाल, यहाँ तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप इनसे गुड्स क्या कर रहे हो, बहुत से पर्सन से गुड्स खरीदते हो, तो खरीदोगे तो उनको पैसा दो देना पड़ेगा। तुम बोला ना देख इसको, तुम बोला कि देख भैया गुड्स तो अभी ले लूंगा बट अभी पैसा देने लायक पोजीशन में नहीं हूँ, एक काम करता हूँ मैं तेरे को 2 महीने में देता हूँ। कितने महीने में, 2 महीने। वो बोला सर आपकी बात का भरोसा नहीं है, नहीं दोगे तो क्या होगा, आप खाली बोल तो दिए 2 महीने में दोगे, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिल रहा, भरोसा नहीं मिल रहा, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा तुम देगा कि नहीं देगा। तब तुम अग्रवाल इसे बोला कि एक काम कर, मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, एक काम कर तुम लिख कर ले आप कागज में, कागज में लिख के वो क्या लाएगा कि मैं अमुक बिजनेस से इतना पैसा पाता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें गुड सप्लाई की है, और मैं उस कागज में क्या करता हूँ साइन करके देता हूँ। रेवेन्यू स्टैंप उसमें एक चीज बच के आएगी, उस पर आप अक्रॉस साइन करके दे दिए, इसका ना आपने क्या किया, एक व्यक्ति को आश्वासन दिया कि भाई मैं तेरे को 2 महीने 3 महीने में पैसा दे रहा हूँ। और वो जो साइन किए ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कानूनी दस्तावेज है, ऑर्डिनरी बात नहीं है। तुम सोचा कि बाद में मुकर जाएंगे तो वो आपको कोर्ट तक घसीटेगा, और एक तरह का लीगल क्या है, लॉ है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं हो गई, समझ में आ रहा है। तो बिल्स पेपर कोई बच्चा सोच ले क्या है सर सिग्नेचर कर देते, देखा जाएगा ना, इतना आसान नहीं है। तो बिल्स पेपर मतलब मुझे किसी व्यक्ति को बिल्स का पैसा चुकाना है क्योंकि मैंने उसे आश्वासन दिया, सिग्नेचर किया, एक्सेप्टेंस किया क्योंकि मैंने उसे गुड्स या सर्विस दिया, तो भाई साहब इतना पैसा आपको मैं इतने दिन में दे रहा हूँ, वो पैसा मेरा लाइबिलिटी है, मुझे देना पड़ेगा, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ओ सर ऐसा है क्या, हाँ भैया ऐसा ही तो है। अब चलिए अब कहानी बनाते हैं, बहुत नई नई कहानी सिखाऊंगा, मजेदार मजेदार, आप कहानी रेडी रहिएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लो, अब डागा ये वर्ड सुना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, स्टैंडिंग वेजेस ये दो। अब सुनिए डागा, ये जो बिजनेस होता है यहाँ हम बहुत से कर्मचारी
हमारे यहाँ क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर काम करते हैं, वर्क वर्क। तो मान ले मेरा एक बिजनेस है दादा, मान ले बिजनेस है मेरा, एक बिजनेस है और मेरे बिजनेस में ये वर्कर क्या कर रहा है, वर्कर भाई काम करता है, काम करता है वो अपना काम, मतलब वो खुद को नहीं बेचा, वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है। हाँ 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 हाँ। उसके पहले मैंने बोला भाई साहब मैं आपको 10,000 रुपया वेजेस दूंगा, वो वेजेस, लेकिन वो काम तुम करवा लिए, बट उसे अभी तक वेजेस मिला नहीं। बता आपने फायदा ले लिया, बेनिफिट ले लिया? हाँ सर बेनिफिट तो ले लिया, फायदा तो ले लिया, इससे काम तो मैंने करवा लिया, बट मैंने इसको मजदूरी नहीं दी, मैंने इसको सर रेमुनरेशन नहीं दिया, रेमुनरेशन भी कहते हैं, मैंने इसको सैलरी नहीं दी, वो बाकी हो गया, वो मांगेगा ना छोड़ देगा, मांगेगा और तेरा हक बनता है दे कि ना दे, नहीं देगा तो कोर्ट तक घसीट देगा। आपने सर्विस ले ली है तो आपका राइट बनता है आपको उसे पैसा देना पड़ेगा, इसका राइट बनता है वो तेरे से पैसा लेकर छोड़ेगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट, मतलब किसी वर्कर को वेज का पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी हो गया, कंफ्यूज एकदम मत होइए, लायबिलिटी है क्या है, लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। आप समझ में आ गया सर, भाषा बदल देंगे तो भाषा क्या बदलेगा भैया, ऐसे दे दिया। हमारे बच्चे भी तो सर गुर्जर गुर्जर बच्चे होते हैं, देखिए ना, अब सैलरी अनपेड आया छोड़ के आ गया, बोले बाबू सर तो पढ़ा लो ना कि बोले लिखो सैलरी अनपेड, सैलरी अनपेड मतलब किसको सैलरी, ओ सर इसी को तो घुमा फिरा कर लिख दिया, हाँ वर्ड तो मीनिंग तो वही दे रहा है, सैलरी क्या करेगा, अरे भाई जिससे मैंने नौकरी करवाई ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरा बिजनेस में वर्क करता है, तो मैं इसको सैलरी देता हूँ, ये मेरा स्टाफ है तो मैं सैलरी दूंगा, और सैलरी क्या होगी अनपेड है, अनपेड मैंने हमने भी नहीं काम करवा लिए तो देना बाकी है। ओ सर ऐसा बात है क्या, हाँ ये लायबिलिटी आपको सिखा रहा हूँ, लायबिलिटी कैसे कैसे दे सकते हैं। देखिए हम लोग 8-10 आइटम लायबिलिटीज का सर एकदम निचोड़ लेके पढ़ रहे हैं सर, आगे कहानी बनाइए, आगे इधर आ जाइए आप, देखते जाइए आप 2x31 लिख दिए वो भैया नंबरिंग गलत है। अच्छा चलिए नंबरिंग थोड़ा सा स्टूडेंट सही हो जाएगा, आप मोटा मोटी क्लियर कर लो, ये बड़ी बात है सर, ये ट्रायल बैलेंस का सर ने एक शेप दिया। चलिए ये ट्रायल बैलेंस है, कंज्यूमिंग चल रहा है हमारा, हो गया 30, 31 स्टूडेंट, 32 है। चलिए देखिए ना आइटम कितना फटाफट जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, आपका नहीं एकदम रेडी रहो सर। और बताइए सर, अभी हमने लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, हाँ सर हमने टर्म लोन लिया, हमने बंधक रखकर लोन लिया, हमको सप्लायर को पैसा देने का है, क्रेडिटर्स बिल का पैसा देना है, साइन किया हुआ नहीं दूंगा तो सर कोर्ट तक घसीट लेगा, वर्कर को भेज देना है, सैलरी का पैसा देना बाकी है। सर आप कहानी में और क्या लाओ है लाइब्रेरी में, देखते जाइए बैंक OBERDRAFT बैंक ओवरड्राफ्ट। एक छात्र बोला सर मैं तो नाम ही नहीं सुना, आप पहली बार पढ़ा रहे हो बैंक को बटा, आपने हम लोग सियासत पढ़े थे, सुनिए आप बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा जमा रखते थे खुद जमा हो जाते हैं, दादा हम आगे जमा नहीं है नहीं पैसा, हाँ तो बैंक में नॉर्मली सर अपने वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट या मनी को डिपॉजिट रखते हैं, कैश को डिपॉजिट रखते हैं, और बैंक में आप जो पैसा डिपॉजिट करोगे वो बैंक वाले से वापस लो गया, लेकिन आप जितना डिपॉजिट किए और बैंक के उन्होंने आपसे एग्रीमेंट हुआ है आप उससे ज्यादा निकाल सकते हो, ये फैसिलिटी बैंक बिजनेसमैन को देता है। तो बिजनेसमैन क्या किया, 100 रुपया बैंक में जमा किया, 500 निकाला, अब बैंक बोलता है ना मुझे 400 रुपया वापस कर, तुम ज्यादा ले लिया, तो उस स्थिति को या उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट मैंने आप ज्यादा निकाल कर बैठे हो, आपको बैंक को वापस देना है, ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी है भैया, लायबिलिटी है भैया, समझे, किधर डालने का, क्रेडिट सर, सर क्रेडिट इधर लिख भी क्रेडिट में, चलिए 35 में आते हैं सर, सर लायबिलिटी और कुछ बनाइए, और कुछ बनाइए, सिंडिकेटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, लोन हुआ, मोटा मोटी जो मार्केट में चलता है सर, लोन फ्रॉम बैंक वगैरह हुआ, आप समझ रहे हो सर, कैपिटल हुआ, सप्लायर हुआ, सैलरी अनपेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह वगैरह। सर आप कहानी आगे देखिए, ट्विस्ट बढ़ाए सर, पेपर में स्कूल वाले दिए थे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ बच्चे पागल से हो जाते हैं, बोलते सर कुछ समझ नहीं है क्या होता है, अरे कभी कभी पैसे हमें क्या होता है, काम करते नहीं है, वर्क हम करते नहीं है, बट पैसे हमें पहले ही मिल जाते हैं सर, ऐसा होता है बिना काम किए पैसा मिल जाए, हमारे साथ तो हो ही नहीं रहा, तो कभी कभी लाइफ में होता है, जैसे ज्यादातर ही होता है क्या स्टूडेंट, जैसे रेंट के केस में बहुत ज्यादा होता है, मेरा एक मकान है और मैं इसको अग्रवाल को भाड़ा पे दूंगा, अग्रवाल वाला बग्गू एक मकान है आपके पास, मकान है तो दीजिए भाड़ा पे मुझे जरूरत है, मतलब एक साल का भाड़ा एडवांस में दे फिर चाबी दूंगा, सिंपल वर्ड,
तो इन सब मार्केट में क्या था, कुछ कुछ मार्केट में सर हम पैसे को क्या करते हैं, समय के पहले ले लेते हैं। अगर भाई बोला अब कोई गरज है, बोला 1,00,000 रुपए एडवांस दे रहे आ जा मकान में, मना थोड़ी क्यों, चाबी दे देता हूँ। तो ये बोला मैं बोला सर 1,00,000 रुपए, हाँ मान ले 2 साल का भाड़ा है, तुम 1 साल दे रहे ले ले चाबी। तो मैंने उससे पैसा क्या कर दिया, समय के पहले। अब बताइए समय के पहले पैसा लेकर मैं सोचा आज मैं बहुत पैसा कमाया हूँ गांव में, क्या कह रहा हूँ सबको, अरे 2,00,000 रुपया इनकम हुआ मालूम है, ये इनकम नहीं है। अभी अग्रवाल मकान में रहा कहाँ है, अभी सर्विस उसको देनी क्या है मेरे को, बाकी है वो पैसा इनकम नहीं है। उनके क्या है, सर दर्द है, डायबिटीज माना जाएगा जब तक आपका वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। मालूम चला अग्रवाल का 2,00,000 रुपया, मैं रेस्टोरेंट में खाने पीने घूमने गया हूँ, अरे भैया 2,00,000 की इनकम हुई है, खाओ पियो और मौज करो ना। अभी उसको मकान में रहने का मैंने हक दे दिया है, अब मुझे उसे रहने देना पड़ेगा। और मैं जैसे ही कहूंगा कि ना अग्रवाल मैं तो रहने नहीं दूंगा, मेरे को जरूरत है, तो लाइए सर मेरा पैसा वापस कर दो, तो लायबिलिटी है। जब तक समझ जाए ना, पैसे को अगर पहले लेकर अकाउंट में एक वर्ड याद रखा, अगर हम कोई भी पैसा इनकम एडवांस में ले लेते हैं ना, वो आपके लिए सर दर्द है, लायबिलिटी बन जाता है। आपने काम किया नहीं तो नहीं तो पैसा उसे वापस साइन लगा दे सर, रिटर्न करना पड़ जाए तो लायबिलिटी, आपका इनकम कम, आपने तो सर्विस ली नहीं, फ्री का पैसा थोड़ी है। चलिए तो ये एक नया वर्ड सिखा दे, इनकम रिसीट इन एडवांस भी देगा तो भैया किधर निकलेगा, क्रेडिट। अच्छा मान ले छात्र को कभी कभी वर्ड बदल देते हैं, हमारे छात्र लोग भी सर कुछ कुछ बड़े गजब टाइप के है, स्कूल वाला गेम खेल लेता है, लिख के दिया कमीशन रिसीट इन एडवांस, हो सकता है मान ले हो गया, मान ले हो गया सर मिल गया, क्या है तेरे लिए लायबिलिटी है। अरे आप किसी का सामान बेचोगे तो कमीशन मिलता है, बंदे से तुम कमीशन एडवांस में ले लिया, जान पहचान है, और सामान अभी बेचे नहीं, बेच लिया और कमीशन पहले ही लेकर बैठ गए, तो लायबिलिटी है, क्योंकि वो कमीशन है तो उसे वापस देना पड़ सकता है, तो कमीशन है। मैंने क्या बोला, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस गो ऑन लायबिलिटी साइड। आप कोई भी पैसा मंत्र सीखो ना, कोई भी पैसा अगर आपको लगता है मैं एडवांस में ले लिया हूं, क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाता है सर, लायबिलिटी हो जाता है सर। स्कूल वाले ऐसे देते हैं, देखिए लोन टेकन, बच्चा छोड़ के आ गया बोला सर पढ़ाई नहीं दे रहे, हमने लोन क्या किया लिया है सर, यही तो लोन फॉर्म वाले ऐसे भी देते हैं, तो लोन टेकन क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया एडवांस में ले लिया। हां लोन टेकन मतलब पैसा लोन का चुकाना होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यहां पर जाते बोलिए इसका मतलब, यहां तक आइए, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। अब मान लो ये मेरा एक तो कस्टमर है, ग्राहक, मैं मेरे दुकान में आया, ये मैं इससे पैसा पहले ले लिया और बोला सामान बाद में देता हूँ, सामान बाद में, तो मैंने क्या किया, अपने कस्टमर से पैसा क्या कर लिया, ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग सर टीवी वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर कार टू व्हीलर देखने जाते हैं और दुकानदार के पास है नहीं, तो बोला दादा आप कुछ एडवांस दे दो मंगवा देता हूँ, तो वो पैसा जो आप वहाँ दे दिए उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको अभी वो सामान दिया नहीं है। देखिए पढ़िए एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब, तुम अपने कस्टमर से क्या, ये कस्टमर है तुम इससे एडवांस क्या कर लिया, सामान लाकर दिया नहीं है, तो वो पैसा क्या माना जाएगा जो एडवांस दियो, और लायबिलिटी है, नहीं लाकर दोगे तो उसको चुकाना पड़ेगा भैया। तो सर ऐसा आइटम देता है क्या, हाँ भैया देता है, कभी ना दिखवा रहा हूँ, देता हूँ कभी ना, ये बहुत अच्छा आइटम हुआ, एडवांस फॉर्म कस्टमर देख के या एडवांस फॉर्म डेटर देख के बच्चे फंस जाते हैं वहाँ, अब कुछ ना कुछ छोटा मोटा गलती करके आ ही जाते हैं। आप चीज को देखिए, अभी समझिए सारा लायबिलिटीज का आइटम देखो सर कैसे चला रहे हैं, देखते हो सर। अब आते हैं कि हर बिजनेस में लायबिलिटीज होती है, और देखिएगा आपका जो ट्रायल बैलेंस आएगा इसी तरह का आइटम रहेगा, आपको लायबिलिटीज पकड़ के समझ लेना है, रटने का कुल भी नहीं है इसमें, रटो मत समझो क्रेडिट में कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा अब जो मैं पर्व लूंगा थोड़ा रिजर्व में बाद में लूंगा, आपको खाली सिखा रहा हूँ आप सीखते जाओ। अब आते हैं कि हर बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे खर्चा लगता है, क्या लगता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, कभी कदा हम बिजनेस में सडनली लॉस भी खा जाते हैं, और मैंने बताया था एक्सपेंस और लॉस आपस में भाई भाई है, हर एक्सपेंस स्टूडेंट बिजनेस का डेबिट होगा, हर एक्सपेंस। लेकिन ये छात्र कह रहे हैं सर मैं एक्सपेंस को समझता ही नहीं हूँ, मैं एक्सपेंस समझता नहीं हूँ, तो एक्सपेंस मैंने क्या बोला था, जिसका डेबिट ले लेते हो विद इन वन ईयर, वो था एक्सपेंस, या उसी समय या कुछ दिनों में या विद इन वन ईयर, वो मेरा एक्सपेंस हो गया। जैसे बबलू सर मार्कर पेन लाए 30 रुपया लगा के लाए,
तो ये मेरा एक्सपेंस है, ये मार्कर पेन एक दो दिन चलती है फिर हट जाती है फिर नया यूज करते हैं, तो मार्कर पेन का जो मैंने 30 रुपया लगाया वो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस है। बिजनेस में न्यूज़पेपर आता है, हाँ आता होगा सर, न्यूज़पेपर वाले को 50 रुपया महीने का देते हैं वो क्या है? एक्सपेंस है। स्टेशनरी अब समझ में आ रहे हैं? हाँ। तो सर ये वाला कहानी पे आप पहुंच गए क्या? हाँ यहाँ पहुंचा और इसको ध्यान से सुनने का, बहुत लंबा चलता है ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब सर देंगे इसको सर, तब कहानी स्टार्ट किया जाए, किया जाए। अब खाली खेल देखने का है, सुनिए सर की बात को। सर एक्सपेंस में आप पहला नाम क्या लिखने वाले? खाली सर को सुनने का, देखने का और सर समझने का है। देखिए मैं लिखूंगा था, आपको तो खाली सुनना है बैठे बैठे। परचेजेस, कुछ छात्र हमारे परेशान होते हैं सर परचेज कब से एक्सपेंस हो गया? अरे बिजनेसमैन क्या करता है एवरीडे कुछ ना कुछ रॉ मेटेरियल गुड्स क्या करेगा परचेज करता है, रोज का कार्यक्रम ना कभी का दास एवरीडे का वर्क है, तो वो एक्सपेंस है और उस गुड्स को वो यूज बेच भी देता है, तो वो जो गुड्स के पीछे हमारा जो पैसा लगा उसको हम क्या कहते हैं? परचेज। जैसे घर में मैंने एग्जांपल दे दिया, आटा चावल दाल हिंदी में बोले थे आता है वो हमारा घर चलाने का क्या है? एक्सपेंस। उसको मैंने बोलिए प्रॉपर्टी है, वो आटा चावल दाल 10-15 दिन ही चलेगा फिर नया आएगा फिर आएगा फिर मतलब सिलसिला चलता आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए परचेज मतलब होता है सर खरीदना, हिंदी में कहे डेबिट होगा सर, याद कैसे रखते हो एक्सपेंस? अरे एक्सपेंस हाँ हाँ आपको सर, मैं तो थोड़ा बड़ा टाइप का बिजनेसमैन हूँ, बड़ा टाइप बोले तू बोला मैं तो फॉरेन से सामान मंगाऊंगा, मंगाओ मना किसने किया क्या? इंपोर्ट समझे इधर, अरे इंपोर्ट मैंने क्या होता है जब हम इंडिया की धरती से नहीं मंगाकर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं कोई सर्विस दे रहे, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट करना, इंपोर्ट और परचेज तो भाई बहन है, परचेज विद इन इंडिया और इंपोर्ट आउटसाइड ऑफ, इंपोर्ट मैंने आया हिंदी में सुनोगे तो समान है, तो इंपोर्ट भी मेरा क्या हुआ खर्च हुआ वो समान है, समान है समझे? चलिए सर परचेज करते हैं तो सर क्या बाबू खुद ही चला जाता है क्या? नहीं, खुद ही उठा लेता है सामान, तो मंगवाते हैं तो उसमें भाड़ा लगेगा, पढ़ाई नहीं दे भाड़ा लगता है, भाड़ा किसका? सामान मंगवाने का लगेगा भैया, सामान मंगवाने का लगता है, सुनिए सुनिए खाली कान खुले रखने का है, कैरिज इनवर्ट आपको भाषा में इन मैंने अंदर करते समय लग रहा है खर्चा। मान लीजिए मैं सामान दिल्ली से रिश्ता ला रहा हूँ, दिल्ली से रिश्ता लाने में मेरा 15,000 रुपए का खर्च आ गया, लाते वक्त क्यों सर लॉरी वाला लेगा तो क्या हो गया? कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, तो कैरेज इनवर्ट दिखते हैं इसको कैरेज ऑन परचेज भी कहते हैं, कैरेज ऑन परचेज देखा तो मैदान छोड़ के मत भाग जाना, कैरेज ऑन परचेज मैंने खरीदते समय खर्च समझे सर, वो नाम लिख दे देता अच्छा रहता, हम छात्र हम तो भूलेंगे, तो देखिए कैरेज कभी कभी क्या लिख देगा अभी भी नहीं समझे खाना पीना खाकर घर में बोले मिसलेनियस खर्चा लगा 800 रुपया ना, आप किसके पीछे लगा रहे हो खाने पीछे नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो आपको जब खर्चे का नेचर मालूम चलेगा खर्चे का नाम अरे वो कैरे लगा रहा सर नाते वक्त, कृपया ध्यान दीजिए कहाँ तक पहुंचे 41 सिलसिला क्या रहेगा? हाँ चलता रहेगा, और आप एंजॉय लेके पढ़िएगा इसको, या आज मैं खत्म कर दूंगा अभी आप घबरा मत, और बहुत अच्छा तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो समझ भी रहे हो कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट का जो जवाब अधिकतर देना नहीं चाहता है, अधिकतर टीचर्स देना नहीं चाहते हैं सर, अच्छे छात्र ले लेते हैं भैया झूठ क्यों कहूँ, लेकिन सबके बस का नहीं है उनको पाई पाई सिखाना पड़ता है। 42 में पहुंचे 42 सर कैरेज ऑन परचेज हुआ, फ्रेट इनवर्ट देगा तो मैं मैदान छोड़कर आ जाऊंगा, फ्रेट इनवर्ट मैं सुना हुआ बैठे ना हाँ। क्या हो गया ये भी लाते समय क्या लगता है गुड्स लाते समय भाड़ा लगता है फ्रेट इनवर्ट कहते हैं, समझ में आ रहा है? ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ रे भैया ऐसा ही बात है, तो ये सब खर्चा पानी सब सारे खर्च है, अभी खर्च को मैं पकड़ पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ सर, और बोलिए और सुनेंगे सुनते जाइएगा। ऑक्ट्रॉय ये आता नहीं आजकल, ये जीएसटी आने के बाद घट गया है, लेकिन सर लिखवा दिए कि कहीं स्कूल वाले दे दो सर, सुना ही नहीं है सर, हकीकत मानिए ऑक्ट्रॉय हमने सुना नहीं, ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय OCTROY ये क्या होता है? अच्छा जब हम लोग कोई गुड्स लाते हैं सियासत तो गुड्स अपनी मर्जी से मैं ला सकता हूँ, तुम बता मेरे को रिश्ता में एक लॉरी कोई सामान मंगवाने का एक लॉरी लॉरी ठीक है तो मंगा लेते हैं क्या है सर लाने का, कौन रोक लेगा? ये रोक लेगा ना वो रोक लेगा, लाना है अपने को। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आप बिजनेस करते हो और आप बहुत सारा गुड्स लाते हो अपने मोहल्ले में अपने एरिया में अपने अंचल में,
तो म्युनिसिपैलिटी बोलता भैया इससे प्रॉब्लम होता है मालूम है सर, एक तो सर आपकी गाड़ियां आती रहती है, पर्सन को डिस्टर्ब होता है, रात को 2 बजे गाड़ी आ जाता है, रोड आप ज्यादा क्या करते हो यूज करते हो ठीक है। तो भैया आप जब हमारे म्युनिसिपैलिटी आ रहे हैं हमारे अंचल या हमारे एरिया में बुक्स लाते हो तो म्युनिसिपैलिटी वाला बबलू भैया एक बार इजाजत तो लेना चाहिए था, रात को 2 बजे गाड़ी आ जाता है, तब ज्यादा होता है हमारा रोड ज्यादा डैमेज हो रहा है, आप सर्विस हमसे क्या कर, आप पॉल्यूशन फैलाते हो। तो कभी कभी क्या होता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जब सामान आएगा उसके आने के पहले हमसे पैसा मांगते हो, 1000 रुपया लगेगा, वो अप्रॉय है, उसको कहते हैं अप्रॉय, एक तरह का पेमेंट है जो नॉर्मली हम इस तरह के पेमेंट को कहते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी लेके कहीं घूमने जाते हो, कोलकाता का विद्यासागर सेतु आ गया, गाड़ी अटक गया, टोल टैक्स दीजिए, तू लगाएगा नहीं, रिक्शा में तो लगा नहीं, श्रीरामपुर यहाँ पे 20 रुपए टोल टैक्स, तो क्या करना पड़ेगा, देना क्यों, क्योंकि आप सर उस ब्रिज की फैसिलिटी ले रही हो, जो ब्रिज को बनाने में 2000 करोड़ 5000 करोड़ लगा होगा, मेरा क्या ख्याल, उसके लिए वो पैसा का रिकवरी डैमरेज देता है, चलिए देखभाल के लिए वही चीज वो अप्रॉय। तो अप्रॉय क्या होता है, जब हम अपने शहर में अपने सिटी में अपने अंचल में गुड्स लाते हैं तो कभी कभी हमें म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का इस तरह का पेमेंट देना पड़ता है, वो अप्रॉय के नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये पकड़ने में बड़ा बच्चे लोगों को क्या होता है तकलीफ होती है, सर समझ ही नहीं थे क्या ला, ये इस तरह के खर्चों को कहते हैं, अब सीख लिए आगे बढ़े। सर इम्पोर्ट ड्यूटी, मैं मजेदार में ले जा जो चीज कर रहा हूँ वो सुनिए मुझसे, सर ये क्या हुआ, अब आप गुड्स कहाँ से मंगा रहे हो, बाहर से। अब यह देखो कि हमारी सरकार का एक नीति बनाया कि हम कुछ कुछ अपने पड़ोसी मुल्क से गुड्स नहीं करेंगे, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का, बोला वहां से मत मंगाओ, अब मंगाएगा तो क्या होगा, ये बोले ना मैं तो मंगाऊंगा, क्या कर लोगे, ओपन इकोनॉमी है, मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, क्यों नहीं मंगाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी मालूम है, ड्यूटी बहुत बढ़ा देगी। ड्यूटी क्या होता है, जब आप दूसरे देशों से दूसरे मतलब क्या बोले अपने इंडिया को छोड़कर आउटसाइड टेरिटरी आप इंडिया से कोई अगर गुड्स लेते हो तो उस समय आपको क्या होगा, इंडिया की बाउंड्री में जब वो गुड्स आएगा तो आपको एक ड्यूटी देनी पड़ेगी, ड्यूटी कहता है इसको, मतलब दायित्व बनता है तेरा, आपको देना पड़ेगा ड्यूटी, देना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा जैसे मान ले मैं कैमरा होना ध्यान रखे, मैं एक कैमरा मान ले फॉरेन से मंगा रहा हूँ, बड़ा सस्ता मिल रहा है 20,000 रुपए, यहाँ 50,000 रुपए प्राइस है, लाइए गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ड्यूटी लगा देगा, जाते समय आप अपने शहर में आप अपने सॉरी इंडिया की बाउंड्री में जब इन करोगे यू आर लाइबल टू पे ड्यूटी, नॉर्मली उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी तुम्हारे लिए लिखा कि जब हम सामान खरीद के लाएंगे तो कभी कभी हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, उससे सामान की कीमत क्या होती है बढ़ जाती है, और ये ड्यूटी सबको देना पड़ेगा। कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंसान है, बहुत ही ज्यादा उसका क्या बोले गुडविल है, रेपुटेशन है, बोले मैं नहीं दूंगा, मेरे लिए तेरे लिए है सर, मैं तो करने वाला है दादा, मैं तो बहुत हाई फाई पर्सन हूँ, मेरे से क्या लोगे, ना ये ड्यूटी है, एवरी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कोई अछूता नहीं है, बड़ा से बड़ा इंसान छोटा से छोटा सबके लिए बराबर लगता है, यहाँ पे वर्ड आता है क्या, ड्यूटी बनती है, ये क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। देखिए अगर हम लोग घर में कोई काम नहीं करते तो बाबूजी क्या कहते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, या आपके अंकल या मासी मतलब भैया देंगे, तेरा ड्यूटी बनता है घर में ऐसे बढ़ाते, ये करना चाहिए, ड्यूटी बढ़ क्यों ला रहे हैं, समझ में आ रहा है, ड्यूटी है भैया, यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी है नॉट इम्पोर्ट टैक्स, क्लियर किए। चलिए सर इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगता है, जब हम सामान को फॉरेन से ला रहे हैं तो लाते समय हमें गवर्नमेंट को कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट तय करेगा कितना देने का, ठीक है, ये हमारा कस्टम, मैंने नाम बोला एक्चुअली एक तरह का कस्टम ड्यूटी बन वर्ड से फेमस है, तो ये मेरा खर्चा हुआ ना लाते समय, इससे क्या हो गया, सर तानी मैं आगे बढ़ाएंगे क्या, हाँ बढ़ा तो रहा हूँ, अब जल्दी वाला होगा तो गैस वाटर एंड फ्यूल, सर ये क्या होगा, अरे फैक्ट्री में लगता है, हम लोग आजकल सर कहीं बाहर दिल्ली गए तो दिल्ली जाते हो तो क्या पानी का जार उठा के लेके जाते हो, बब्बू भैया 10-10 रुपए का तो जार लेके जा रहा हूँ, अरे जमाना एडवांस हो गया, तो बोला सर पानी क्या ले जाने का, ट्रेन में खरीद लेंगे, ट्रेन में बॉटल ले लूंगा 20 रुपया लगे तो लगे, मालूम चला आप यहाँ से दिल्ली गए 200 रुपए का तो पानी पी लिए, अरे भैया वाटर का भी तो तब क्या लग रहा है, खर्चा लग रहा है, गैस आप समझती हो, और फ्यूल मैंने जलाने वाले पता पेट्रोल डीजल इस तरह का आइटम मान लीजिए ना, फ्यूल क्या है, तो ये फैक्ट्री में लगता है, यहाँ यहाँ दादा ये कहाँ लगता है, सब खर्चा ज्यादातर फैक्ट्री में लगता है, भैया फैक्ट्री में ज्यादातर लगता है, मेरा कहने का ये फैक्ट्री से रिलेटेड सर खर्चा लग रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, गैस वाटर एंड फ्यूल क्या करना, डेबिट क्या है, खर्चा है भैया क्या है, खर्चा है सर वेजेज, अब आउटस्टैंडिंग नहीं है, खाली वेजेज, वेजेज जो हमारे फैक्ट्री में सरकार करे जो मेरे वर्कर्स हैं मैं उनको वेजेज दे दूंगा, अरे रेमुनरेशन तो वेजेज देते हैं, वेजेज वर्कर के लिए नॉर्मली यूज होता है जो भारी काम करते हैं, जो क्या करते हैं भारी काम करते हैं, हम लोग ब्रेन लगाकर करते हैं, पेन से काम करें एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, और वहां पे होता है वहां पे फिजिकल एफर्ट क्या होता है ज्यादा लगता है, तो नॉर्मली हम वहाँ पे वेजेज बढ़ लगाते हैं,
तो वेजेस भी तो मेरा खर्चा ही है सर, छोड़िए ना, साथ साथ दे लेते हैं भाई बहन को, सैलरी ले लो, सैलरी भी तो उसी तरह का है, सैलरी भी तो, लेकिन सैलरी माना जाता है हम स्टाफ को देते हैं जो क्या करता है अप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, समझ में आ रहा है उधर अपनी ध्यान दो, अप्लीकेशन ऑफ ब्रेन ध्यान में आ रहा है, यहाँ पे ब्रेन ज्यादा यूज करना पड़ता है, इसमें हमारे क्या होता है सर, हाँ मेंटल, बस बस सैलरी भी खर्चा है सर, सैलरी हम स्टाफ को देंगे, वर्कर को दे, जिसको दे सैलरी आप देते हो, यहाँ पे एक एक्सपेंस है, इसको सोचना ही नहीं पड़ता है सर, कहानी आगे बढ़ाओगे क्या, हाँ आगे बढ़ेगी, अब आगे लिखा जाए सर, गैस ऑर्डर क्यों लिखा, वे लिखा सर, अरे खर्च लिख रहे हैं अभी लिखते चल, बहुत मजेदार मजेदार चीजें टर्म्स नए नए आ रहे हैं ना, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, एक छात्र बोला सर मैंने तो सुना ही नहीं है ये सब क्या होता है, रेंट आप सुने हो, अच्छा रेंट, एक छात्र बोला सर मैंने तो रेंट सुना नहीं है, रेंट क्या हो गया भाड़ा, अरे रेंट मैंने भाड़ा, और रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी है, हमें म्युनिसिपैलिटी को टैक्स देना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, उस तरह का वर्ड आता है, ये गवर्नमेंट को नॉर्मली ये गवर्नमेंट लेती है रेट्स एंड टैक्सेस, जो हमारा बिजनेस का क्या हुआ, खर्च हुआ, खर्च है, सोचिए मैं क्या करने का, डेबिट करोगे सर, सर उसके बारे में लिखूंगा आपको क्यों इतना नाम पढ़ा रहा हूँ, अरे बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगता है कि नहीं लगता है, पेन कॉपी रबर रजिस्टर आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, घर में भी लगता है, बिजनेस में भी लगता है, सब तरफ लगता है, ये मेरा खर्च है सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर, उसके बाद और कुछ लोगे क्या, अरे हाँ रे भैया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या है बोलिए ना, खर्चा है, अरे खर्चा ही तो है, पोस्टेज टेलीग्राम भले 50 और 100 पोस्टेज टेलीग्राम नहीं लगेगा क्या, हाँ सर, सर मैं लिखता हूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, जैसे सर ने वाईफाई लेके रखा है सर किसी कंपनी का, मुझे हर महीना 1000 रुपए देना है, वही तो कौन सा खर्चा हुआ, अभी तो इंटरनेट खर्चा आप देख रहे हो सब जगह लगने ही लग गया है सर, ऑनलाइन में सर क्लास हो रही है, सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, बिना इंटरनेट के आप लाइव नहीं जी पा रहे हो, तो इंटरनेट एक्सपेंस भी क्या हुआ, खर्चा है, क्या करने का, क्या कर लोगे, डेबिट सर, गांधी भावन नंबर पे पहुंच गए 52, अरे लिखो छात्र, लिखो सर इलेक्ट्रिसिटी दिया था मेरे स्कूल वाले ने, अरे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में भी आता है, ऑफिस में भी आता है, फैक्ट्री में भी आता है, गोडाउन का भी आता है, सब जगह का आता है, खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ, डेबिट में लिख, डेबिट में लिख, डेबिट में लिख इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद इसमें आप देखिएगा 53 नंबर पे सर के ब्रेन में भी आया एडवर्टाइजमेंट, डाउट लग रहा है क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या है सर, खर्चा है ना, पहले एक्सपेंस लाइए मुंह में, सर स्कूल वाला गेम खेल लिया, सेल्स प्रोमोशन बोल के लिखा था, सेल्स प्रोमोशन एक्सपेंसेस, मतलब आपको सेल्स को क्या करने का, बढ़ाने, हाँ प्रोमोशन मैंने बढ़ावा देना है, उसके लिए आप खर्च कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट टाइप है, मैंने जानबूझ के अलग टाइप का किया, क्या थोड़ा वैराइटीज को समझो कि सर क्या कह रहे हैं सर, उसके बाद बताइए आप, उसके बाद आपको सर स्टूडेंट मैं खाली लिखवाते जाऊंगा, आपको खाली बैठ बैठ के लिखने का, चीजों को समझते हुए क्लियर करते जाना है सर, डिस्काउंट अलाउड हिंदी में बोलिए, डिस्काउंट मैंने दिया ना लिया, दिया ना लिया, दिया दिया, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा तो बिजनेस का सर एक तरह का क्या हुआ, लॉस हो गया, एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस क्या होगा, सर कमीशन किसी को आप नहीं देते हो क्या, दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, स्कूल वाले क्या दे दिए, कमीशन पेड, पेड क्या है, आप किसी को कमीशन दे रहे हो, आपका क्या हुआ, अरे हाँ विद्यार्थी एक्सपेंस है, वेरी गुड आंसर, डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस किधर लिखने का सर, डेबिट में लिखिए, आप अभी टेंशन मत लीजिए, खाली लिखते चलिए बैठे बैठे, इंटरेस्ट ऑन लोन, जरा डाका बोलेंगे, हम लोन लिए, हाँ लेना पड़ता है सर, तो उसका इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या, तो इंटरेस्ट आपका खर्च माना जाएगा, आप लोन की बात नहीं किया सर, बात की इंटरेस्ट ऑन लोन की, ध्यान से रखिए, क्या हुआ हमारा, डेबिट एक्सपेंस, अच्छा है सर, हम बैंक में अकाउंट खोलेंगे, हाँ नहीं खोलोगे क्या, तो बैंक वाला आपसे क्या ले लेता है, कभी कभी चार्जेस, क्या ले लेगा, बैंक चार्जेस, क्या हो गया, डेबिट, खर्च है हमारा, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक हमारा चार्जेस काटा 50 हो या 100 या 200 या 500,
बैंक चार्जेस हमारा खर्च है किधर लिखने का सर आप रकम कैसे ले रहे हैं तो एक्सपेंस एंड लॉस किधर लिखेंगे डेबिट साइड में सर मिसेल अंदर से आ रहा है सही अच्छा बैंक चार्जेस अपने किधर लिखे डेबिट में क्यों लिखा उसका लॉजिक क्लियर हुआ मेरे को जानना आप सारे वर्ड को समझो सुनो ओ सर इस तरह के सर डेबिट क्रेडिट में बहुत मजा आएगा करते समय फटाफट कर पाओ गया कहने का मतलब चलिए सर तानी आगे बढ़ा लीजिए ब्रोकरेज पेड अरे ब्रोकरेज क्या होता है मान लीजिए कहानी बना रहा हो अगर डाउट है तो मैंने शेयर मार्केट से शेयर खरीदा शेयर ईसा में मुझे बोला बाबू क्या जाइए शेयर खरीद के ले आइए तो शेयर ईसा में कहां से मिलेगा शेयर को परचेस करने के लिए मुझे शेयर मार्केट से शेयर मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ शेयर बिकता है मैंने शेयर खरीदा उस समय मुझे दलाली देनी पड़ेगी ब्रोकर जो मेरे लिए काम करेगा ब्रोकर फ्री का थोड़ी है मेरे को एक सर क्या कर रहा है वो ऑर्गेनाइज अपनी सर्विस दे रहा है उसके लिए मिनिमम चार्जेस ले सकता है तो ब्रोकरेज पेड हमारा क्या हो गया रिसीव नहीं बोला मैंने क्या बोला पेड हमारा खर्चा है सर दे देता है ऐसा बट बच्चे परेशान से हो जाते हैं सर कहानी आगे बढ़ाएंगे क्या हाँ बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा अभी तो खाली सुनने का है खाली सुनते चलिए देखते चलिए एंजॉय करते चलिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस अरे मिसलेनियस तो सुने होगे समझ में आ रहे अरे मिसलेनियस एक्सपेंस कब वर्ड लगाते हैं हम मान ले कोई ऐसा खर्चा है जिसका अप्रोप्रिएट नाम नजर नहीं आ रहा एक बार क्या बोल के पल्ला झाड़े छोटे मोटे खर्च हुए जिसका अप्रोप्रिएट क्या नहीं है नाम नजर नहीं आ रहा क्या लिख दिया मिसलेनियस हाँ मिसलेनियस एक्सपेंस तो ये मैं डेबिट करूंगा स्कूल में कभी कभी मैंने देखा है टीचर लोग तो आपसे माइंड गेम खेलेंगे माने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे क्या लिख के देंगे संधि एक्सपेंस हां संधि एक्सपेंस क्या होगा बात कीजिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हां संधि एक्सपेंस मतलब विविध बहुत से खर्चे छोटे मोटे जिनका कोई एप्रोप्रिएट क्या नहीं हो रहा है वजूद हां नाम नहीं समझ में आ रहा सर वो रेंट था ना सैलरी था मैंने क्या नाम देके लिखा जैसे मान लो भाई ऑफिस में मैं कहानी बनाऊं न्यूज़पेपर आता है मेरा और न्यूज़पेपर में खाली मैंने चार ही बार मंगवाता हूँ और मेरा 20 रुपया लगा क्या नाम दे दिए मिसलेनियस हाँ मिसलेनियस बोल के मैंने लिख दिया कि इट इज मिसलेनियस एक्सपेंस या सैलरी एक्सपेंस तो मैंने नाम को बदल दिया क्योंकि स्कूल वाले इस तरह आपसे गेम खेलेंगे नाम बदल बदल के देंगे सर आगे बताइए और कहाँ तक पहुँचे इधर देखिए इधर 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 अभी खाली देखने का है समझने का है चीजों को क्लियर करने का बैठे बैठे बैड डे कभी भी बुक डेट नहीं बोला सर ने क्या बोला बैड डे प्रमाण हो गया कि गुड्स मेरे पास एविडेंस है कि वो देगा नहीं तब उसको क्या कहते हैं बैड डेट मतलब वो पोर्शन जो मैं अपने कस्टमर से रिकवर करने में कैपेबल नहीं रहा या कस्टमर मुझे देगा नहीं या इनरिकवरेबल पोर्शन जो पोर्शन मुझे नहीं मिला तब बैड डेट कहते करोगे तो कभी कभी एसेट्स वगैरह बेच ही सकते हो क्या कर सकते हो अरे बेच सकते हैं क्या बेच दूंगा एसेट बेचा तो उतना दाम मिला नहीं मान ले मेरे पास एक मोबाइल फोन है जो मैं 20,000 में खरीदा था एक साल पहले आज बेचने जाऊंगा तो 20,000 मिलेगा नहीं मिला 5,000 मिला 5,000 लॉस खा गए क्या खाए लॉस क्या बेचकर तो कोई भी हिस्सा का लॉस हो जाए आप बेचकर खा गए जो आपका रोज का काम नहीं है गुड्स बेचकर नहीं हुआ आप चीज को समझिए स्कूल वाला दे देगा लॉस ऑन अरे आप खाली अभी ध्यान दे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विद्यार्थी पागल हो गया क्या करो अरे लॉस हो गया क्या बेचे थे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर बेच के लॉस खा सकता हूँ मैं वो लॉस हो गया तो लॉस सर आपको याद कर एक तो लॉसेस क्या होगा हर तरह का लॉस क्या होगा डेबिट होगा सर मेरा स्कूल वाला माइंड गेम खेला है क्या दे दिया मुझे कैश स्टोलेन बोलिए जरा कैश चोरी हो गया है लॉस खाए ना फायदा हुआ लॉस हो गया सर किधर गिरेगा इसको कैश एम्बेजलमेंट भी कहते हैं एम्बेजलमेंट मतलब यहाँ पे छोटी मोटी जो चोरी हो जाती है कभी कैश एम्बेजलमेंट
समझ में आ रहे हैं? ये वर्ड आता है फिर मत बोलना कि सर आप बोले नहीं थे, मेरा पेपर में छूट गया ना, बोला चलिए सर 65 लीजिए, मैं मशीन बेच के लॉस खा गया। अरे याद है हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हो सकता है सर हाँ अभी बेच दिया लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इधर रखने का डेबिट में रखने का, डेबिट में रखने का। अच्छा सुनिए, अब मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मेरा लड़का आकर बोला पापा स्कूल का फीस थोड़ा दो देना, आप लोग मुझे फीस दिए मैं उसमें से उसको लिफाफा दे दिया, ले जा फीस दे देना स्कूल का। इसका ना आप जो स्कूल का फीस दे रहे हो तब वो क्या हुआ, देना तो नहीं चाहिए था, वो आपका बिजनेस का थोड़ी आपके घर का खर्चा है, वो तो घर का। मैं बोला ना बिजनेस क्यों देगा, बिजनेस नाराज हो गया, बोले ओ बब्बू सर आप अपना घर का खर्च भी बिजनेस से दे देते हो तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, मेरा कहाँ का है पर्सनल है, पर्सनल है। तब ऐसा आइटम कोई दे दे तो कभी कभी हमारे बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में फील कर जाते हैं, सर दिखाइए तब क्या लाइफ क्या दे दिया, पढ़ाया था तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पढ़ाया था एक बार जनरल में, तो मेरा पर्सनल खर्चा हुआ डेबिट होगा, डेबिट होगा, इससे मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, मैं अपने घर लाइफ में व्यक्तिगत चीज समझे। अरे ऐसा दे देगा तो वर्ड कंफ्यूज क्यों हो रहा है, आपका पर्सनल खर्चा है, दिया कौन है बिजनेस, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। बिजनेस ओ तुम अपना घर का खर्चा दे रहा है तो तेरा कैपिटल, मैं तेरे को अब कैपिटल नहीं बढ़ाए थे, कैपिटल कम दूंगा। चलिए सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा। सर और क्या दे सकते हैं आपको, तो खाली बोले सुनिए इंजॉय कीजिए तब काम बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। इनकम टैक्स सर सुना ही नहीं है, इनकम टैक्स मतलब हम जो कमाते हैं, हम जो कमाते हैं इनकम मतलब कमाई आमदनी, उसके ऊपर क्या लगेगा टैक्स देना पड़ता है, मामूली रकम आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ जाती है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, समझा। तो इनकम टैक्स क्या होगा, मैं जो कमाऊंगा उसके ऊपर हमें सरकार को क्या करने का टैक्स देना होगा, ये गवर्नमेंट अपने फाइनेंस एक्ट में डिसाइड करेगी आपका टैक्स का रेट क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ स्टूडेंट ये 67 ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो इनकम टैक्स मेरा डेबिट होगा, इनकम टैक्स में कहां से दे रहा हूं, आप लोग जो मुझे फीस दिए उससे मान ले बब्लू सर अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिए, तो इनकम टैक्स माना जाता है मेरा पर्सनल खर्च है, ये किधर लिखेंगे डेबिट। अगर आपको स्कूल वाले इस वर्ड से दे रहे हैं तो सर ड्रॉइंग्स, यहाँ गलती मत कीजिएगा, ड्रॉइंग मतलब होता है भाई पर्सनल काम के लिए, मैं बिजनेस से पैसा क्या कर लिया निकाल रहा हूँ पर्सनल काम के लिए, बिजनेस नाराज बोला सर आप पैसा निकाल लिए तो आपका कैपिटल क्या हो रहा है कम हो रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग देगा यहाँ पे। तो ड्रॉइंग्स को आप किधर रखेगा डेबिट में होगा भैया। देखिए अभी सब मैं डेबिट वाले आइटम एक एक तरफ सजाने की क्या कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, जितना मिल पा रहा है जितना मिल पा रहा है हम रेडी कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए नंबर कहाँ तक पहुंचे, 68 तक हम बढ़े, अभी खाली तो सर को सुनना है, खाली देखने का है सर क्या क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपेंस विद अस नाउ 69। सर हमने सामान बेचा लेकिन जिसको बेचे वो सामान लौटा कर चला गया, रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न सामान वापस दे दिया, लौट कर आ गया। श्रीवास्तव हमारे लिए खुशी की बात, लौट के आ गया तो क्या हो गया बहुत खुश हो रहा हूं ना सामान, इसका मेरा टारगेट है जब मैंने सेल किया था तो दो पैसा कमाए थे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आज वो प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक तरह का लॉस हो जा रहा है। तो और दूसरा याद रखिएगा एक तरह का तब आपको लॉस हुआ आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपकी आमदनी घट रही है, खुद ही लगाइए आप लोग, तो एक तरह का लॉस हुआ ये डेबिट में जाएगा, टेक्निक सिखाया तो सर और कोई रास्ता उपाय बताइए। सेल्स रिटर्न होने से सामान लौट कर आया, हाँ आपका स्टॉक दुकान का बढ़ गया, आप रैक में रख दोगे बिन में रख दोगे कहीं रख दोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा। मैंने टेक्निक सिखाया था जब स्टॉक बढ़ता है तो बहुत बड़ा डेबिट होता है, शेयर सिस्टम में स्टॉक बढ़ रहा है। इसका दूसरा नाम श्रीवास्तव याद है ना, भूल गया रिटर्न आउट, श्रीवास्तव नाम याद रखो मालूम है, मैं जब अकाउंट्स पर आता हूँ तो मेरे साथ एक बहुत गजब घटना घट गई थी, सुनिए अकाउंट्स में यहाँ पढ़ा रहे हो एकदम फ्री में सीख लिया, बोला तुमको तो मैंने क्लास में देखा नहीं तुम अकाउंट्स कहाँ से सीख लिया, बोला बाबूदा अपने जब पढ़ाते अभी बाहर थकता हूँ क्लासे समय चले आज और आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे तो मैं बैठे बैठे सुनता रहता नहीं भी सीख ली। इससे मैं श्रीवास्तव को बोला भैया सुन रहे हो ना सेल सीटन में पढ़ाया हूँ, सेल सीटन में सामान क्या हो गया वापस आने से मेरा स्टॉक क्या होगा ऐसे याद रखना। जिसे आप लोग सोचते कैसे हो फटाफट डेबिट में जाएगा, स्टॉक बढ़े तो डेबिट घटे तो क्रेडिट,
और दूसरा क्या बताए? रिटर्न इनवर्ड इसका दूसरा नाम है, सामान लौट का है, मेरा लॉस हुआ, लॉस हुआ, पहले ध्यान दे किधर जाएगा, डेबिट में, डेबिट में सर। स्कूल वाला केवल, अभी सुनिए ना, अभी तो कहानी चल रही है सर, मजेदार मजेदार कहानी देंगे, क्यों घबरा रहे हो, हम आइटम छोड़ना नहीं चाहते, कैरेज आउटवर्ड सर आप तो लिखवाए हो, ना 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 ना, वो कैरेज इनवर्ड था, अब कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जो मैं सामान बॉयस हूँ, जो मैं सामान बेचूंगा सेल करूंगा, मुझे कस्टमर मिला है दिल्ली का, फोन लगाया भाई साहब रिश्ता से सामान लेने का 1 करोड़ का, छोड़ दू क्या कस्टमर, वो बोला गुड्स क्या करना होगा, पहुंचाना होगा, सर गुड्स मेरे पास पहुंचा दीजिए, तो पहुंचाते समय मेरा क्या लग गया, खर्च लग गया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज कब लग रहा है, भाड़ा, कैरेज मैंने मेरी नजर में भाड़ा, आउट मैंने बाहर कर दिया, क्या बाहर कर दिया, गुड्स, उस समय आपका पॉकेट से जेब से पैसा लगा, वो आपका खर्च है, डेबिट कीजिए। तब फ्रेट आउटवर्ड आ गया तो मैदान छोड़ के भाग थोड़ी जाऊंगा, बोलिए फ्रेट मैंने भी भाड़ा ही होता है एक तरह का, आप ऐसे सोचो ना, एक बार लीगल टर्म में बैठ जाओ कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या होगा, डेबिट खर्चा है, बॉय गर्ल्स खर्च है, कैरेज आउटवर्ड हाँ, ये अलग चीज है, देखिए कैरेज आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड, यहाँ मैंने लिखवाया था, कहीं लिखवा दिया था कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, सब सब क्या है, खर्च है, लेकिन रिटर्न इनवर्ड एक अलग चीज है, यहाँ मेरे को लॉस हो रहा है सर, यहाँ मेरे को लॉस हो रहा है। फिर सर कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, लो बच्चे परेशान हो गए सर, सर माता का काज को चला, ठीक है डेबिट होगा, आज के जमाने में बताऊंगा तो सारा मीनिंग तो हम लोग तो देंगे, बोले तो ए टू जेड, इसका मतलब क्या था, आज के जमाने में जब श्रीवास्तव सामान प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, मैं बेचते समय इसको बोला है मार्कर पेन ले लो, और बोला अगर 3 दिन में खराब हो जाए, 3 दिन में खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी, प्लेस फ्री में दे दूंगा या फोन कर देना आके रिपेयरिंग कर दूंगा। तो आज के जमाने में जब आप सामान बेचते हो उसके बाद भी आप उसको सर्विस देते हो बहुत बार, उस समय आपका खर्चा लगेगा नहीं क्या, अरे लैपटॉप बेचा, लैपटॉप कंपनी वाला ये कह करके 1 साल फ्री वारंटी, सर कुछ बिगड़ेगा तो मैं हूं, तो बिगड़ गया था फोन किए आपके घर में आके मैकेनिक क्या क्या फ्री में ठीक करके गया, तो उनका तो खर्च लगा ना, अरे मैकेनिक का आने का व्यक्ति का कुछ खर्चा पानी तो है, तो वही मैं लिखा हूँ कॉस्ट ऑफ कब लग रहा है, आफ्टर सेल्स करने के बाद ही मेरा खर्चा लगा थोड़ा बहुत, ये मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया, क्या करने का, हाँ डेबिट में डालिए, अरे डेबिट में डालो कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स का सर्विस। सर मेरे स्कूल वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे दिए थे, अरे इसको भी बोलना पड़ेगा, खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा तो हर जगह लगता है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में पहुंचने के पहले ट्रैवलिंग का खर्चा लग जाता है, समझे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को सर उतना चर्चा या डिस्कशन नहीं करेंगे, इधर डाल डेबिट में। सर कन्वीनियंस दिया था, कन्वीनियंस एकाने सुनते हो अबे कन्वीनियंस, ये भी एक तरह का उसी तरह का खर्चा है, डे टू डे खर्चा है, कन्वीनियंस एक्सपेंस क्या हो गया, डेबिट, हाँ डेबिट में ली, सोच क्यों रहे, सोचिए मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस और क्या आया, अरे अभी सुनने का फिर आगे सोचने का। सर ऑडिट एक देख, तुम लोग के लिए नया वर्ड ऑडिट, AUDIT ऑडिट फीस, ये मालूम है डेबिट होगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे सर ये होता क्या है, ऑडिट फी का मतलब स्टूडेंट सोचो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अरे सुनो श्रीवास्तव कहानी मजेदार है, मैं पढ़ा रहा हूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बबलू भैया आप कमाते क्या हो बताइए, तो मैं बताऊंगा ना वो लोग आएगा, मैं बताऊंगा तो मैं बताते समय बाहर आया तो करूंगा, आमदनी कम बता दूंगा, टैक्स कम लगेगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर आप जो खाता पत्र बनाते हो हमें आप पे क्या नहीं है भरोसा नहीं है, आप ऑडिट कराओ, ऑडिट मैंने उसका एक तरह का चेकिंग कराइए, और चेकिंग कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA CS ये लोग पढ़े लिखे वो लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट मैंने आपके अकाउंट्स की बुक्स को वो सख्त निगाहों से देखता है कि ये सही ना ये क्या है गलत, फर्जी वाला तो नहीं किए, लेकिन जो व्यक्ति करेगा उसको मुझे फीस देना पड़ेगा, उसको मुझे हाँ वो, लेकिन यहाँ सैलरी बढ़ नहीं आएगा, वो मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, उसे बढ़ क्या है फीस, ऑडिट फीस, वो चेक करने का पैसा लेगा, वो आएगा 4-5 दिन अपना लगाएगा, ब्रेन एप्लीकेशन करेगा, ऑडिट फीस, समझ गया सर। 76 में पहुंच रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, स्पीड बढ़ाइए अभी अभी बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, फास्ट हो जाएगा, घबराइए मत, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा क्या बड़ी उसकी अभी लीगल एक्सपेंस है, अरे ये सुना है क्या, लीगल एक्सपेंस मतलब होता है सर जो वकील को हम क्या करते हैं,
हाँ कोई कानूनी खर्च दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? अरे वकील, वकील मैंने लॉयर, कौन सा वर्ड यूज कर दो? अभी भी डाउट है, ऐसा पैसा क्या हुआ? हाँ अब भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉयर को रखना पड़ता है, तभी कुछ भी, मान लो फैक्ट्री में वर्कर वर्कर आपस में लड़ मरे तो बॉस फंस जाता है, तो हमें तो भाई एडवाइस देना पड़ता है। हमें अपने जो पढ़े लिखे हैं, जो LLB की डिग्री लेकर रखे हैं, लीगल एक्सपेंस को सर आपका क्या हुआ? खर्च हुआ है, किधर डालेगा? डेबिट में। किधर डालने का? डेबिट में। ये देखो तो ये यात्रा कौन सी चल रही है? एक्सपेंस लॉस की यात्रा हम लोग कर रहे थे सर, याद आ रहा है? सर बिजनेस में खाली एक्सपेंस लॉस होगा तो हम चलेंगे कैसे? इनकम गेन, इनकम्स एंड गेन्स। सुनिए विद्यार्थी, GAINS, जितना इनकम्स एंड गेन्स है क्या होगा? पढ़ा दिया तो रूम तो लिखवा दिए थे, तेरा खर्चा मेरा इनकम, इनकम उल्टा चल रहा है, इनकम एंड गेन मतलब रेवेन्यू क्या करने का? क्रेडिट करने का। सर कैसे करा दोगे? देखिए कैसे कराऊंगा, आप बैठ बैठ के देखिए। सेल्स, सेल्स किधर जाएगा? सर याद कैसे रखते हो, कौन सा विटामिन खा रहे हो? अरे सेल्स क्रेडिट होगा, रेवेन्यू है, इनकम का जरिया है, समझे? सेल्स मतलब मैंने जो प्रोडक्ट बेचा, भले वो कैश सेल हो भले वो क्रेडिट सेल हो, समझे नहीं क्या? अरे प्रॉफिट तो दोनों में ही है, सोच क्यों रहा है? चलिए सेल्स। अच्छा मैं अगर फॉरेन में गुड्स भेज रहा हूँ तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? आप दूसरे कंट्री को गुड्स क्या कर रहे हो? भेज रहे हो, तो सेल्स का जो दूसरा नाम हो गया, इधर पार्ट इधर ध्यान दे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब इक्विवेलेंट टू सेल्स ही हुआ। इंडिया में डाल रहे हैं सामान, दे रहे हैं तो क्या हो गया? सेल्स हो गया। इंडिया के बाहर चला गया तो क्या कहते हैं? नॉर्मली एक्सपोर्ट कहते हैं। चलिए सर सेमेंट, अभी ध्यान दीजिए, अभी खाली ध्यान देने का। सर जो सामान हम खरीदे, जो सामान मैंने खरीदा वो मैंने वापस कर दिया, लौटा दिया। बोलिए आप बात नहीं कर रहे हो? हाँ ना ना, मेरा स्टॉक क्या होगा? मेरा स्टॉक क्या होगा? कम जा, नहीं कम, स्टॉक घटेगा। मैं जो खरीदा था उसमें वो खर्च था, मैंने सामान लौटा दिया, रिटर्न कर दिया, तो मेरे एरिया से आ रहे जा रहे, आउट वर्ड WARD जा रहे, तो स्टॉक क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, पर्चे रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा अब कहानी पैड प्लीज देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से बहुत तसल्ली से सब देखने का। सर कमीशन रिसीव दिया स्कूल वाला, कमीशन में दे रहा हूँ ना, मिला मिला ना दिए, मिला कमीशन रिसीव था, हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनकम। ये देखो कंफ्यूजन में रह रहे हो, कमीशन मैं दे भी सकता हूँ तो क्या हो सकता है? मिल भी तो सकता है। अरे मिलेगा तो मैं दूसरे का सामान लाकर सेल करता हूँ, कमीशन लेता हूँ, तो मेरे लिए इनकम का जरिया हुआ भैया, रिसीव्ड है, मिला। इतना कंफ्यूज मत रहिए आप लोग भैया, वो 80 है, 80। चलिए उसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट रिसीव अलाउड लिखवाए थे ना, अब मैंने क्या लिखवा दिया? मुझे डिस्काउंट क्या हो रहा है? मेरे लिए क्या हुआ? अरे इनकम हुआ कि नहीं हुआ? पहले लड़ाई को तो लड़िए मेरे साथ। हाँ सर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव, इनकम है, रेवेन्यू का जरिया है सर, इनकम मान के चलो आप एक बार। चलिए इतना काफी है। इधर सुनिए स्टूडेंट, अभी ध्यान पूरा रखिए, थोड़ा समय होने वाला है सर। सर उसके बाद मान लीजिए हमें, हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं बाजार में, मैंने कल क्या पढ़ाया था? इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। हम छोड़ देंगे क्या? बोलेंगे क्या? मत दीजिए। वन आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जो पैसा बाजार में इन्वेस्ट किया, भले वो शेयर मार्केट हो, भले मैंने बैंक में FD बनाई, फिक्स डिपॉजिट आपको पास, उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कमाने का एक जरिया है, इनकम क्रेडिट होगा। डिविडेंड, ये आपके लिए टफ वर्ड आ गया, डिविडेंड रिसीव, मुझे मिला ना, मैं दे रहा हूँ। सर ये डिविडेंड कैसे मिलता है? मेरे को भी शौक हो रहा है कमाने का, इच्छा बोला। डिविडेंड तभी मिलेगा जब आप दूसरी कंपनियों का शेयर्स खरीदोगे, शेयर और म्यूचुअल फंड वगैरह, वहां से अर्निंग का हिस्सा मिलता है आपको, वो बाद में आप करना। अभी 11 के बिगनिंग स्टेज नो। चलिए इनकम हो गया सर। सर कोई संपत्ति बेचोगे ना? पहले मैं एक वर्ड लिखूंगा, मिसलेनियस। क्या लिखा सर ने? मिसलेनियस इनकम। सर वो इनकम जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है बट हुआ तो था, क्या वर्ड दे दिए? मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम। सर मान लीजिए ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है, अरे न्यूज़पेपर बेच दिए न्यूज़पेपर वाले को, 20 रुपया आ गया, अब उसका मैंने नाम दे दिया क्या? छोटा मोटा पैसा है, मिसलेनियस इनकम। क्या? सनरी इनकम।
तो प्रेरित कीजिएगा। सर स्कूल वाला मिस मैनेज इनकम नहीं देखे, क्या बोले अभी? सनली इनकम बोल के दे दिया, सनली इनकम। तब भी क्या करो? सर स्कूल वाला हमारे साथ गेम खेला, अदर इनकम बोल के कुछ लिख के दिया। आपको तो इनकम हो रहा है ना, अदर इनकम क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा दादा? क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, इनकम है सब। सब सर इनकम का पर्व लिख रहे हैं। किसका पर्व लिखवा रहा हूँ? इनकम का। इनकम वाली कहानी में ज्यादा लेने का कोशिश कर रहा है। इनकम है सर, कुछ बेचिए ना, बेच के कमा के दिखाइए ना। चलिए भैया, शेयर मार्केट में मैंने शेयर बेचा, एक बार लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलो भैया, एक बार प्रॉफिट वाला लॉस, इनकम हो गया भाई। मैं 10,000 रुपए में शेयर खरीदा रिलायंस का और 12,000 में बेचा, 2,000 कमाए, तो वो बढ़ गया। और लॉस होगा तो डेबिट। मैंने अभी तो बोला क्या क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तब डेबिट। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट हुआ है सर। क्रेडिट करने का, क्या करने का? क्रेडिट। पहले लिखिए, इतना लिखिए आप लोग। सर कोई बैंक वाला हमें ब्याज देगा तो हम लेंगे ना छोड़ देंगे? लेंगे। बैंक इंटरेस्ट क्या? रिसीव। किधर डालिए? क्रेडिट में डालिए, क्रेडिट में डालिए। बैंक इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट में आएगा। अश्वन ये नंबर था कितना? 88 में हम लोग क्या लिख रहे? ध्यान दे। 88 में क्या लिखा? बैंक इंटरेस्ट रिसीव। क्रेडिट में लिखा। अच्छा पर्चे लिखवाए थे, सेल्स लिखवा दिया हमें सर, बच्चे रिटर्न सेल्स रिटर्न, ये छूट जाता है। कैरेज वाला कहानी हो गया, फ्रेड वाला कहानी हो गया सर। तो हम लोग लिखे बैंक इंटरेस्ट कहानी, ये सी हमें है, सी आई बी डी। प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट बेच कर, अदर इनकम, सनी इनकम, मिसलेनियस इनकम, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स, एक्सपोर्ट, सब क्या किया हो गया, लिखवा दे जा रहा था सर। सर आगे कहानी क्या होगी देखते रहिए आप खाली रेडी रहिए सर। अब ना आपको मैं आपको जो मैं अब थोड़ा सा स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे वो आइटम जो ट्यूनिंग करेगा आपस में। सर ये क्या होता है देखिए, अभी सर को तो सिखाने का मौका दीजिए सर। ट्यूनिंग वाले आइटम में एक साथ लाऊंगा मैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रा टाइप के होते हैं सर। नहीं समझना आप करवा नहीं बताओ। देखिए सुना है ये वर्ड डेप्रिसिएशन ना? सुने हो? हाँ। आज स्टार्ट करते हैं सर, डेप्रिसिएशन क्या है हल्का सा, क्योंकि एक छात्र को याद नहीं हो बोला सर आपके रटवा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है सर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, बुक वैल्यू में, किसमें? बुक वैल्यू। किसी फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू में जो लगातार गिरावट होती है, कंटिन्यूअस फॉल, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एक तरह का तब क्या हो गया, फॉल और रिडक्शन इन द कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, खास करके फिक्स एसेट्स के ऊपर यह होता है। तो सर डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस संपत्ति का यूज करते हैं तभी ना। अरे क्या करते हैं यूज? अभी भी नहीं समझे? डेप्रिसिएशन तो यूज करने की वजह से हुआ, नहीं समझे? यूज के तब हुआ, नहीं तो नहीं होता शायद, मेरा मन में यार। तो डेप्रिसिएशन को कभी लॉस मत कहो, क्या है? एक्सपेंस है। मैंने फायदा ले लिया, मैं एक बाइसाइकिल खरीदा और मैं उसका बेनिफिट ले लिया, तो क्या हो गया? ना जो डेप्रिसिएशन में जो गिरावट आई, हाँ उसके वैल्यू में जो गिरावट आई, या सर उसका जो मैंने यूज लिया, ये आप जब चैप्टर आगे पढ़ोगे इसके ऊपर चैप्टर है। लेकिन मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, लगभग सभी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है। लैंड पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं होता है, आप सुनो ना, ये दे दिया है बच्चा बोला एक ही अलग है, बच्चा बोला एक ही है। डेप्रिसिएशन भी एक चीज है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन कल तो बता रहे थे होता क्या, एक बार भूल जा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर इसको भी डेबिट कर दो ना, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कुछ अलग है। तो सुनिए अब इसका टेक्निक बताऊं, कोई भी ट्रायल बैलेंस में ऐसा आइटम आए जो बच्चों के या मेरे भी दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, भैया ये एसेट्स है क्या, समझ नहीं आ रहा है। नाम ही बड़ा गजब टाइप का लिखे, सर लाइब्रेरी लग रहा है, सर ये लग रहा है ना। नियम क्या ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा कोई, सुनिए ना, ऐसा कोई वर्ड आ जाए
जिसका हमें तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बहुत ही क्रिटिकल टाइप का है, ना डेबिट ना क्रेडिट, अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको देखना है उस आइटम में लास्ट में क्या है, क्या शास्त्रों कहा लास्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे देश में क्या होगा, डेबिट होता है। अब सुनिए, अगर कोई भी डेबिट आइटम के पहले, सुनिए डेबिट क्या आइटम के पहले अगर प्रोविजन वर्ड का उपयोग हुआ है, किस वर्ड का, प्रोविजन या रिजर्व वर्ड का यूज हुआ है, तो आइटम क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये मैंने नियम, ये नियम ना सबको बताने का नहीं, बहुतों को पता नहीं है ढंग से, ये सुनिए ना, प्रोविजन फॉर क्या, डेबिट आइटम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका मैं कल जो मैं लिखवाया था आज अब क्लियर होगा, मतलब दादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, दादा ऐसा वर्ड जहां प्रोविजन लिखा हुआ था या रिजर्व लिखा हुआ था, हम ऐसे सेंटेंस को अगर समझते नहीं, अभी हम 11 में बिगिनिंग हमारा स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट वाला आइटम पर, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन, उससे आगे क्या लग जाए, प्रोविजन, तो वो आइटम क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे फटाफट ब्रेन चलाएंगे वहां पे, ओ सर ये सोचेंगे अभी, सर से दूसरा कैसे सोचता है उससे तेरे को मतलब नहीं है, ये किधर भागेगा, ये देखिए ट्विनिंग आइटम कौन सा हुआ, ये देखिए इसको मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रा आइटम, इसके साथ इसका एक संपर्क बना, एक खाली डेप्रिसिएशन आएगा और स्कूल वाला देगा प्रोविजन पर। अच्छा प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन का, चूंकि आप आईसी सीबीएसई के छात्र हो तो आपको इसको नाम घुमा के देता है, क्या देता है ये वर्ड, अरे आपको तो सर को सुनने का है, ये वर्ड आएगा इसका मीनिंग भी एक होता है, एक्युमुलेटेड संग्रह कर लेना, एक्युमुलेट करना, समझे, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम अनदर। अभी तुम लोग बस आपको, अब मैं ट्विनिंग आइटम लूंगा, सर एक को और लीजिए, तो ट्विनिंग आइटम देखिए, बैड डे दादा, बैड डे क्या होगा, रिटर्न ऑफ, बैड डे क्या है, लॉस, पैसा डूब गया, ग्राहक ने कस्टमर ने पैसा डुबा दिया। सुनिए दादा, अब बैड डेट को पूरा अभी 11 में मजे से सब, बैड डेट जो आता है सर वो पोर्शन जो डेटर ने हमें नहीं दिया, लेकिन क्या डेटर तेरे कान में बोल के जाएगा क्या, दादा 5,000 नहीं दूंगा, जो करने का कर लो, तो आपको आपको तब एक्सपीरियंस क्या करना होगा, अपना लगाना पड़ेगा, लग रहा बंदा पैसा नहीं देगा, अगर आपको कंक्रीट क्या मिल जाए, प्रमाण, एविडेंस, तब वो बैड डेट हो गया, तब उसको बैड डेट कहेंगे, बैड डेट ऐसे तब तो मन में डाउट आएगा तो नहीं होगा, पहले आप समझिए, लेकिन स्कूल वाला गेम खेल गया, सस्ता क्या गेम खेला स्कूल वाले, अरे मैं ये बहुत टफ बताऊंगा, स्कूल वाले आपको देंगे ये वर्ड क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखते हैं कौन बताएगा इसका, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के एक आइटम आया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, आप क्योंकि लास्ट वाला पढ़ेंगे, लास्ट में क्या है, बैड डेट, बैड डेट हमारा लॉस है, डेबिट होगा, और आगे क्या सब क्या, आइटम क्रेडिट, सॉरी आपको क्रेडिट में लगा, अरे सर को सुनिए, ये बहुत काम, इनको आप इग्नोर मत करना, यहाँ बहुत फंसोगे सर, इधर उधर करके आ जाओगे फिर बोलोगे सर सवाल गलत हो गया। चलिए आपको ट्विनिंग आइटम मैंने मिलते जुलते इसके साथ भैया कैसे याद रखना, नंबर नंबर 91 92, सॉरी स्टूडेंट ये 91 92, थोड़ा फास्ट। चलिए सर अब ट्विनिंग आइटम, अरे बात अभी नहीं, थोड़ा सा तो और बात है, 10 मिनट और खाऊंगा बस, उससे जाना नहीं, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट लॉस हुआ, हमने ग्राहकों को कस्टमर को डिस्काउंट दिया ना लिया, दिया तो लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस है सर, फोन थोड़ा देखो के विद्यार्थी, लेकिन स्कूल वाला माइंड गेम खेला, क्या माइंड गेम खेलेगा, ऐसा ऐसा वर्ड वो लाते हैं ना, ना इस वर्ड को तुम बोला सही है, कॉन्फिडेंट है एकदम, देखा प्रोविजन फॉर ये वर्ड चलता है, ये वर्ड है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दे दिया, अब स्कूल वाला बच्चा कंफ्यूज हो गया, बोला सर ये समझ नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे ना कुछ भी मेरे ही पढ़ने नहीं पड़ रहा है, तब मेरे सर बोले थे, मेरे गुरु बोले थे आप लास्ट वाला आइटम पढ़ो, क्या है डेटर, मैंने जिनसे हमें पैसा लेना है हमारे देश में, डेबिट हो गया मेरी संपत्ति हो गया, डेटर मैंने कस्टमर जिनसे मुझे पैसा लेना है सामने, तो ये डेबिट होगा और सामने क्या लग गया, आइटम क्या होगा, क्रेडिट में बदल जाएगा, टेक्निक पकड़ रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है, आगे लीजिए 95 डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ मिनी आइटम पे चल रहे हैं, मिलते जुलते लग रहा है, क्रेडिट होगा इधर, डिस्काउंट रिसीव मैंने मुझे डिस्काउंट प्राप्त हुआ, मिला अपने रिसीव किए, इनकम
इनकम क्रेडिट। लेकिन इसको बड़ा गेम खेल गया सर, गेम कैसे खेला, आप सर को ज्यादा सुनोगे ना, प्रोविजन रिजर्व फॉर स्कूल वाले एक वर्ड देते हैं स्टूडेंट, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सर एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है, छात्र बेहतरीन जवाब दे रहा है, सुनिए इधर इधर अग्रवाल इधर, केटर किसको कहते हैं, तुम लोग रोज बोलोगे मैं रोज पढ़ाऊंगा ऐसे, केटर उसको कहते हैं जिनको मुझे पैसा देना है, मैं गुड्स खरीदा हूँ तो लाइबिलिटी, तो केटर्स लास्ट वाला पढ़ोगे, पर रिजर्व अगर लगे ना तो लास्ट वाला क्या हो गया, क्रेडिट के आइटम, क्रेडिट आइटम के सामने क्या छप गया, आइटम रिवर्स हो जाएगा, आइटम रिवर्स मतलब उलट जाएगा, डेबिट डेबिट। अरे छात्र सही बोला है, सुनते जाइए, कितना लिख पाए पहले, हाँ ये बहुत कठिन कठिन आइटम थे, अब मैं जो चीजें कहूंगा उनको सुनिए, अगर कोई भी आइटम जो बुक्स बुक्स में देगा नहीं आपको फंसा देगा, किसी भी वर्ड के में सर फंड लगा हुआ है, क्या फंड सर, ये फंड क्या होता है मालूम है, फंड तुम लोगों के लिए टफ है, बहुतों के लिए टफ होता है, फंड को समझाना मुश्किल होता है, फंड फंड क्या, आप थोड़ा सुनो, फंड क्या होता है सर, व्हाट इज फंड, माने मैंने एक दिन को फोन लगाया, ए फंड है क्या, मैं क्या बोल रहे हो फंड, मतलब इसका ना यहाँ पे फंड का मीनिंग है ये बिजनेस की लैंग्वेज में कि एक बार 10,000 रुपया खाली है तो देना, यानी फंड को मैं बोलना चाह रहा हूँ कैश, तो फंड का नहीं कैश हो सकता है, फंड का मतलब कोई कैश होगा जरूरी नहीं है, कभी कभी फंड का मतलब होता है टोटल, आपके पास टोटल कितने का फंड है सब कुछ मिला है, तो फंड का अलग अलग क्या होता है मीनिंग होता है, बट स्कूल वाले ट्रायल में इसमें क्या करते हैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड देंगे जिसको 11 का छात्र सुना नहीं है, 12 वाले बीकॉम वाले को भी नहीं समझ में आता है, हम लोग पढ़ा देते हैं भैया, तो सर अगर कोई भी वर्ड में फंड आएगा तो वो क्रेडिट होगा, क्या टेक्निक, कभी फंड तो सर दिखाइए तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ फंड आता है, मैं देखूं, देख तुम लोग सब सुना वर्ड है सर, देखिए डोनेशन फंड आएगा स्कूल के पेपर में, स्कूल के पेपर में डोनेशन क्या करना, सर आप याद कैसे रखते हो बोले तो, हाँ विटामिन नहीं, अब यहाँ पे अब याद कैसे रखते हो मान लो, तो भाई एक तो अभी तो सर्दी आएगा, अरे विंटर का मौसम, सर्दी इतना हमारे यहाँ पड़ता नहीं है, लेकिन क्या हो गया नहीं समझ में आया, वो कौन सा आता है ना चवन प्रास का क्या डाबर, हाँ दिमाग की बत्ती खोल दे, हाँ उससे ब्रेन आया, ऐसे ही बोला मजाक में, तो होता नहीं है क्या, यही मैं कह रहा हूँ सर, ये वाला सुनना, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी वैसा ही करता है मार्केट में, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, अब मुझे नहीं मालूम भैया ठीक है, तो केसीपाल का कोई छाता खरीद के लाके बोलेगा कि आई एम ए केसीपाल बॉय, अब मुझे नहीं मालूम, मार्केट का एक ट्रेंड एडवर्टाइजमेंट एक अट्रैक्टिव वर्ड होता है ठीक है, तो अंकल का टीवी डब्बा है, अच्छा टीवी है फिर भी अंकल फेंक कर आए, पड़ोसी परेशान कर दे रहा है, क्या ये टीवी लगा के रखे, तो ये एडवर्टाइजमेंट का एक क्या होता है पावर, हाँ पावर है ऐसा मालूम नहीं भैया, नहीं तो मानना है, मैं तो वही कहा कि बच्चे लोग गाजर नहीं खाते हैं रस्ते में, पहले तो गाजर ले जा खाते खाते जाना है दिखाते हुए, मेरा नाम से आन बान शान चला जाएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते पीते क्या होंगे जाएंगे, जहरी पी रहे हैं एक तरह का ऐसे ही बोला आप, अदरवाइज मतलब चलिए इधर उधर की बात छोड़े, कोई भी वर्ड में आना, अब सवाल में लौट कृपया थोड़ा सा के लिए मेहनत एक बार खत्म ना करें, कोई भी वर्ड में फंड आ जाए तो क्रेडिट होगा, लेकिन सर अगरवाल नाराज हो गया, आगे देख इस तरह से देख रहे हैं कि छोड़ने वाला नहीं, सर ऐसे थोड़ी होता आप क्रेडिट बोल दिए मैं लिख लूंगा, थोड़ा कुछ तो बता दीजिए, तो डोनेशन फंड का मतलब एक बार कहानी बना, स्कूल वगैरह में कभी कभी हमें डोनेशन देना पड़ता है, स्कूल वाला एक गरीब व्यक्ति का एक बच्चे का मदद करने का है, उसका ऑपरेशन होगा 50,000 का खर्चा है, तुम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके ला के दे, तो तुम लोग जाके स्कूल वाले को क्या इकट्ठा किए, इधर उधर से होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, आप वो पैसा स्कूल वाले को दे दिए, स्कूल वाला खुश हो गया इनकम ठीक है, तो आज के तो क्या अभी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे ना, वो पैसा उनके लिए लाइबिलिटी है, उससे उस गरीब बच्चे की क्या करने का है, तो वो जो फंड वो यहाँ पे बढ़ जाता है फंड, वो जो उन लोगों ने आपसे डोनेशन या आपको जो भी नाम से वो फंड इकट्ठा किया, वो पैसा उनको बाहर वाले को किसी व्यक्ति को उस बच्चे के काम में लगाने का है, तो वो फंड उनके लिए उस समय क्या है लायबिलिटी हो रहा है, बहुत खतरनाक है, फिर भी तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, डोनेशन फंड, तो डोनेशन फंड क्या, हम डोनेशन इकट्ठा किए कहाँ से, अरे बाजार से, तो डोनेशन फंड, डोनेशन को लेने का मतलब तुम ये कह रहे हैं मैं इस काम में वो पैसा लगाऊंगा, तो पब्लिक तो जूता लगाएगी, तो वो पैसा आपके लिए क्या है लायबिलिटी, आपको वो काम करना पड़ेगा, आप उसके लिए फंड इकट्ठा किए हो, चीज समझना, ये मेरे यहाँ पे मान ले तो छात्र है गली में सरस्वती पूजा होता है, बब्बू भैया कुछ होता 500,000-2,000 तो मैंने इसको चंदा दिया, और मुझे मेन्यू बताया बब्बू भैया सरस्वती पूजा के पहले दिन देखे इस तरह का हम लोग का मेन्यू है,
अब उस दिन है, दूसरे दिन पूरा खाना डिनर सब कुछ है, पैसा लेके धा हो गया। अब कहानी बनाई, मैं जो पैसा दिया इसका ना एक तरह का ये कार्यक्रम करने के लिए क्या कर रहे हो आप, एक फंड इकट्ठा कर रहे हो, सरस्वती पूजा फंड, एकदम सिंपल में आ गया। अब उस फंड में इसके पास 50,000 रुपया आ गया, लेकिन वो फंड इकट्ठा करके रोज देख लेते हैं ना, वो पैसा तेरे अपना नहीं है, तेरा बोला वो इनकम नहीं है, गलती मत कीजिए, लायबिलिटी है, उसके लिए पूजा का पंडाल होगा सर, पुरोहित मुसाई को देना होगा, लाइटिंग का थोड़ा खर्च करना है, फिर सोसाइटी को भी बोले थोड़ा इनवाइट किए हैं, तो सर ये जो समझदार है, तो वो फंड आपका, वो जो फंड में पैसा आया सरस्वती पूजा फंड क्रेडिट हो जाएगा, मैंने सिखा दिया, लायबिलिटी आपका चीज समझ पहले, तो डोनेशन फंड क्या होगा, डोनेशन का जो है सर ऐसा मिलता जुलता दो चार बेची नहीं है बेची ना, अभी बात मत कर, पहले लिख ले सर, पहले लिख ले, दो मिनट का तो काम बाकी है, और फिर हम लोग पानी उनी पिएंगे, इंजॉय करेंगे। चलिए एम्बुलेंस फंड, सर कैसा कैसा वर्ड ले आते हो, अरे एम्बुलेंस मान ले कोई तलब है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्बुलेंस के लिए क्या कर रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, सोसाइटी से दे भैया, गरीबों का मदद होगा, हमारा भला होगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा, देश आगे, तो वो एम्बुलेंस फंड का पैसा उस वक्त उनके लिए क्या है, उसे वो काम करना पड़ेगा। 98 तक पहुंचे सर, सर प्राइज फंड सुने, प्राइज फंड, अरे बच्चों लोग मान ले आप लोग स्पोर्ट्स में भाग लोगे, स्कूल वगैरह में भी होता है, कभी कभी मोहल्ले में भी हम स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो भैया जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा उसको हमें प्राइज देना पड़ेगा, उस प्राइज देने के लिए हमने पैसा क्या किया, इकट्ठा किया, चीज समझिए, चीज समझिए, वो प्राइज देने के लिए मैंने क्या किया, पैसा किया सोसाइटी से लिया, भैया मेगावी छात्र को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके लिए कोई मुझे बोला बबलू सर कुछ आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कीजिए ना, बेहतर स्टूडेंट है, तो वो क्यों ना क्या कर, हम लोग को प्राइज देंगे, अवार्ड देंगे, तो वो फंड उनके लिए क्या है, लायबिलिटी है, उसके वो पैसा किस में यूज होगा, हाँ प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्पज में यूज होगा, वो इसको एम्बुलेंस खरीदने में यूज करना है, ये डोनेशन का पैसा है, जिस पर्पज से लिए उस काम में क्या करने का है, तो मोटी बात सर ने क्या सिखाया, जहाँ फंड आ जाए लास्ट में नॉर्मली वो क्या जाता है, समझना, ये समझने में बड़ा मुश्किल है सर, स्कूल वाला गेम खेला, स्कूल वाला गेम खेला, फंड नहीं देखे मेरे को कंफ्यूज कर दिया सर, ये देखे कंफ्यूज देखे डोनेशन भी लिखा और फंड भी लिखा तो क्रेडिट होगा, लेकिन ना आगे और लिखा है, आगे और लिखा है, देखिए ना सर तो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, ओ सर डोनेशन फंड यानी फंड के साथ अगर अंत में इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए क्या आ जाए, बोलिए इन्वेस्टमेंट, ओ वो जो पैसा इकट्ठा किए है, मान ले ये सरस्वती पूजा के लिए 50,000 रुपए इकट्ठा किया, पूजा एक महीना बाद है, तो गेम खेला, बोला बबलू सर 50,000 रुपया सरस्वती पूजा के लिए आया है, बड़ा एंजॉय करेंगे, लाइटिंग होगा, प्रतिमा आएगी, ये वो करूंगा, बोला अभी तो एक महीना बाकी है, एक काम कर एक्सिस बैंक में पैसा रख देते हैं, कुछ ब्याज आ जाएगा, फंड हमारा और क्या होगा बढ़ जाएगा, तो कभी कभी हम उस फंड को क्या कर देते हैं, एक बार इन्वेस्ट करके रख दिया, बाद में निकाल लूंगा, इससे फायदा क्या होगा, इंटरेस्ट और मिलेगा, सुरक्षित और रहेगा ना, क्रेडिट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये पैसा इसका ना वही पैसा, ये थोड़ा टफ है तुम लोगों के लिए, इतना मैं तुम्हें वही पैसा मैं एक्सिस बैंक में रख के आया, इन्वेस्ट कर दिया, मैं पूछा पैसा कहां गया, अभी तो था 50,000 रुपया इकट्ठा किया, बैंक में रख दिया, बंद गया, एक महीना बाद इंटरेस्ट और मिल जाएगा, हमारा पूरा कार्यक्रम और बेहतर हो जाएगा, दो पैसे घर में क्या होंगे, अधिकतर व्यक्ति अगर फंड का उपयोग नहीं हो रहा है तो बहुत सी फर्म क्या करती है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो वो जहाँ किया उसे वो पैसा क्या करना है, इसका मैं सोच उसका सोच, जहाँ एक्सिस बैंक में रखे उससे वो पैसा मुझे लेना है, तो उस समय मैं एसेट्स का काम करता हूँ, और टफ है, कृपया तुम लोगों के लिए टफ है, फिर भी इधर लिखो डेबिट, तो सर ने क्या सिखाया, अरे सर ने क्या सिखाया, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा जाए फंड में क्या कर देने का, डेबिट हो जाएगा, तो फंड खाली लास्ट में फंड तो क्रेडिट, डोनेशन फंड, कैपिटल फंड, एम्बुलेंस फंड, प्राइस फंड, स्पेसिफिक फंड, अरे बहुत सा नाम बोल दिया था, सब क्रेडिट, लास्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, फंड फंड लास्ट में फंड, लेकिन फंड क्या आ गया और क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, तब वो डेबिट हो जाएगा, तब वो डेबिट होगा, कृपया समझिए, ऐसे मत चलिए आप लोग, सर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया, अरे अब तो बोलिए डेबिट, हाँ डेबिट, खाली प्राइस फंड तो क्रेडिट होगा, अब प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आ गया तो क्या हो गया, डेबिट, थोड़ा सा समझे यहाँ पे, कोशिश किया, कि एक टफ आइटम है, बहुत कम पूछता है, लेकिन काम तो आएगा सर, अकाउंट्स पढ़ो, 6 साल 7 साल चलेगा सिलसिला,
आपको अच्छा नॉलेज लेना ही होगा। चलिए ना अभी सुने, चलिए कहानी बनाए विद्यार्थी कि सर हमारे स्कूल वाले गेम खेले, गेम बहुत लास्ट में आ गया। घबराइए मत, थोड़ा सा और वक्त दे दो विद्यार्थी, थोड़ा सा मानो इसे रिदम टूट जाएगा। इधर ध्यान दे, पार्थ शर्मा जनरल रिजर्व। लो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सड़ी पड़े सड़ी समझ, ऐसा कहानी है। जनरल रिजर्व सुनिए, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर लास्ट में रिजर्व आए, क्या है रिजर्व आए, तो ज्यादातर केस में वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट में फंड आए क्रेडिट होगा, डोनेशन फंड भूल जाओ, कैपिटल फंड, एम्बुलेंस फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइस फंड, सरस्वती पूजा फंड, हाँ हो सकता है, सब क्या होगा क्रेडिट। और अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो डेबिट, उसका समझ गए। तो सर जनरल रिजर्व मैंने क्या बोला, आपके लिए टफ है, मेरे लिए भी टफ है, अभी समझाने बैठूंगा सर, पहले चैप्टर में ये सब पढ़ने लगे, ये सब आते हैं सर, आगे सीखते जाएंगे। तो जनरल रिजर्व आप ध्यान रखना, कोई भी रिजर्व लास्ट में रहे तो क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत से उसको क्रेडिट कर दो। समझे या नहीं समझे? सिंपल वर्ड में ये थोड़ा समझने में तकलीफ है सर, ऐसा एक तो और दे देते ना, आप तो बोले रिजर्व, हो सकता है टीचर हमारे साथ गेम खेलेगा, कैपिटल रिजर्व लास्ट में क्या है, क्या कर दे क्रेडिट कर दे, क्रेडिट कर दे, देख लीजिए जनरल रिजर्व, फिर कैपिटल क्या करने का, क्रेडिट कर देना, लास्ट में क्या है क्रेडिट कर दे, लास्ट में रिजर्व में तो क्या करो क्रेडिट कर दो। सर स्कूल वाला गेम खेल लिया, गेम क्या खेले आपको, तो खाली सर को बैठे बैठे सुनने का है ना, 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 आप खाली सर को सुनिए ना, सर स्कूल वाला दिया है रिजर्व फंड, क्या लगा है लास्ट में फंड, क्या कर दे ये आता है एकदम, इसे सर ने लिखवाया ऊपर, और सर स्कूल वाले ने रिजर्व फंड नहीं देकर अगर ऐसे दे दे रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट के डेबिट, तो मोटा मोटी स्टूडेंट मैंने बोला था 100 आइटम्स तक हमें सर लिखवाएंगे, यही ट्रायल बैलेंस होता है आपको कहीं वहां ब्रेन में सोचने का, ये डेबिट आइटम है ना। अब बताइए सर इसका जो ट्रिकी पार्ट है, कुछ चैलेंजिंग फैक्टर है जिसके लिए तो आप सर हम लोगों को पैसा देते हो, आप पहले चीज को समझिए, अब जोड़ोगे तो बराबर आएगा, घबरा मत तो सवाल में देगा, लेकिन मेरा कहना क्या है कि ट्रायल बैलेंस कोई सोचे कि सर मैं ये कर लोगे आप बुक्स में से 20-25 सवाल फटाफट बन गए, लेकिन ना ट्रायल बैलेंस में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, टेक्निकल में कुछ ऐसी चीजें है जहाँ पे सर वही सब तो स्कूल में पूछेगा, वो टेक्निकल एस्पेक्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से आप पहले सुनो ना, कल ट्रायल बैलेंस के टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ मेरे मैथ से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादातर दूंगा, और मैं मैथ का टेक्निकल क्वेश्चन ही कराऊंगा, टेक्निकल थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टाइप का दे देगा, ठीक है, फिर हम लोग लग जाएंगे स्टूडेंट। मुझे याद आ रहा है कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था जब ये हो जाएगा तो वापस लेजर में लौटेंगे सर, एक बच्चे का रिक्वेस्ट है डिस्काउंट देगा मर्ज एंट्री देगा तो सर हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे आप लेजर में, लेकिन लेजर में वक्त लगता है हो जाता है तो उसमें लगेंगे, तो मैं दो क्लास वहां मान के चल रहा हूँ, एक एक समसी बन जाए हो गया तो वो खत्म करेंगे। सुनिए पहले प्लानिंग हो गया सर, पहले ट्रायल बैलेंस फिर लगूंगा जीएसटी, और जीएसटी में 50 अंक की करीब कराऊंगा तो करवा दूंगा 4 क्लास में, तो बहुत आइडिया हो गया, तो खाली जीएसटी को तो पिक्चर में लाना है। चलिए स्टूडेंट क्लास आप लोग देखिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा, और थोड़ा देखना पड़ेगा आप पे डिपेंड है। चलिए